सिलसिला गजब जिंदगी नाम है जहद मुसलसल और सही ये पेहम का जब यह जहद व काविश हक की हिमायत के लिए की जाए तो इसे कुरान करीम की असलाह में जिहाद कहा जाता है इसमें मुस्तकिल मुस्तकिलदार खुदाबंदी के आम करने और इन्हें एक जिंदा हकीकत बनाकर दुनिया के सामने पेश करने के सिलसिले में हर किस्म की कोशिश शामिल है इसी कोशिश में एक मकाम ऐसा भी आता है जब हक की मदाफियत में सरबकफ और शमशीर बदस्त मैदान जंग में निकलना पड़ता है इसे कत्ताल से ताबीर किया जाता है इस किस्म के तसादम को गजवा कहते हैं अब हम नबी अक्रम सल्लाम के सफर हयात की उस मंजिल में आते हैं जहां आप सल्लाम को हक की मदाफियत के लिए गजवात से वास्ता पड़ा जंग बदर यह हम देख चुके हैं कि नबी अक्रम सल्ला वसलम की हिजरत कुरैश मक्का पर किस कदर गिरा गुजरी थी इससे उनके तमाम अजाइम खाक में मिल गए लेकिन अरब का जोश इंतकाम और वो भी इस किस्म की इज्तमाही हैसियत लिए हुए ऐसा न था कि यूं ही ठंडा पड़ जाता उन्होंने तहिया कर लिया कि मुसलमानों का ताकुब किया जाए और जब तक इनकी तहरीक यानी इस्लाम का इस्तेसाल न कर लिया जाए चैन से ना बैठा जाए चुनाचे उन्होंने इस ख्याल को आम किया और इस तरह सारे अरब को मुखालफत मुबारसत के लिए मुश्तल कर दिया हिजरत से पहले अब्दुल्ला बिन उबी वहां का रईस था कुरैश ने उसे खत लिखा कि तुमने हमारे आदमियों को अपने यहाँ पनाह दी है हम खुदा की कसम खाते हैं कि या तो तुम लोग उन्हें कत्ल कर डालो या मदीने से निकाल दो वरना हम सब लोग तुम पर हमला कर देंगे और तुमको फना करके तुम्हारी औरतों पर तसरफ कर लेंगे बहवाल सुन्न अबी दाऊद नबी अक्रम सला वसलम को जब इसका इल्म हुआ तो आप सल्ला वसलम ने अब्दुल्ला बिन उबी को समझाया कि इस मुखालफत में तुम खुद अपने बेटों और भाइयों से लड़ोगे इसलिए के अनसार मुसलमान हो चुके थे उसकी समझ में ये बात आ गई और उसने कुरैश की बात न मानी कुरैश ने मदीने पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी सन दो हिजरी के अवाइल में मक्का के एक रईस करज बिन जाबिर फहरी ने मदीने की चरागाह पर हमला कर दिया और मुसलमानों के मवेशी लूट कर ले गया ये उस जमाने का जिक्र है जब कुरैश का काफिला शाम की तरफ तिजारत के लिए गया हुआ था उस काफले को वापसी पर इसी रास्ते से गुजरना था अमीर कारवां अबू सुफियान को किसी ने यह गलत खबर पहुंचा दी कि मुसलमान तुम्हारे काफ़ले को लूटने की फिक्र में हैं। उसने इसकी इतला कुरैश मक्का को भेज दी वह पहले ही तैयार बैठे थे ओए बदरा बहाना है एक लश्कर जर्रार साथ लेकर मदीने की तरफ उमड़ आए नबी अक्रम सला को मालूम हुआ तो आप सल्हम ने साहबा रजील्ला से मशवरा किया उनकी बेसर सामानी का जो आलम था वो जाहिर है लेकिन ये तो कद्दूसियों की वो जमात थी जिसने अपनी जान और माल हक की हिमायत के लिए वक्फ कर रखे थे वो हर हुक्म की तामील के लिए हाजिर थे आप सल्ह वसलम ने अनसार की तरफ निगाह उठाई तो उनके रईस साद बिन माज रजील् ने कहा कि आप वसल्लम हुक्म दें तो हम समंदर में कूद पड़े चुनाचे आप सल्लाह वसल्लम फिदाइयों की इस मुख्तसर सी जमात को लेकर गनीम के मुकाबले के लिए रवाना हुए उस वक्त खुदा की इस वसीज जमीन में खुदा का नाम लेने वालों की कुल कायनात यही तीन सौ के करीब जानेसार थे जो लवाए हक वदाकत के साय में अपने दावा ईमान की शहादत के लिए इस तरह चल दिए थे शौक शहादत के वफूर का यह आलम था कि जब एक कम उम्र बच्चे उमैर बिन अबी वकास से कहा गया कि वो वापस चला जाए तो वो रो पड़ा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन इजाजत देनी पड़ी कि वो साथ हो ले इस जोश मुसरत में उसका बड़ा भाई साद बिन अबी वकास उठा और छोटे भाई के गले में खुद तलवार हमाइल की आसमान के फरिश्ते इस हसीन मंजर को देख रहे थे और खुदाए अलीम व खबीर से अर्ज कर रहे थे कि बारे इलाहा आपने सच कहा था कि इनिनी आलमों माला ताल जानसारों की यह कुल जमा तीन सौ तेरह नफूस पर मुश्तमिल थी और बेसर सामानी का ये आलम कि इनके साथ कुल दो घोड़े थे मुकाबले में कुरैश बड़े करो और शान शौकत से निकले थे हजार सिपाहियों की जमीयत सौ सवारों का रिसाला तमाम रउस कुरैश बसतस्नाए अबू लहब शरीके फौज रसद का यह इंतजाम के दस दस ऊंट रोजाना जिबा होते थे कुरैश को बदर के करीब मालूम हुआ कि अबू सुफियान का काफिला खतरे की जद से बाहर निकल गया है और अब अंदेशे की कोई बात नहीं लेकिन उनकी तो नीयत ही जंग की थी वो वापस क्यों लौटते वादी के दूसरी तरफ नबी अलैहि वसल्लम ने डेरा डाल दिया हबाब बिन मंजर रजील्ला एक सहाबी थे उन्होंने खिदमत अकदस में अर्ज किया कि महल फरूकशी का यह इंतखाब वही की रूह से हुआ है या हजूर ने अपनी राय से ऐसा किया है आप वसल्लम ने फरमाया कि यह वही का हुक्म नहीं इस पर हबाब रज़ी बिन मंजर ने अर्ज किया कि फिर इस मकाम से फला मकाम ज्यादा मुनासिब है हमें वहां जाकर उतरना चाहिए हुजूर अलैहि वसल्लम ने मामले के उन तमाम पहलुओं पर गौर किया जो हज़रत हबाब रजील्ला ने पेश किए थे और फरमाया कि हबाब की राय ज्यादा साहिब है चुनाचे आप वसल्लम ने उसी राय पर अमल फरमाया रात को बारिश हुई तो मौके के हुसन इंतखाब ने मैदान का नक्शा उलट दिया अब जो देखा तो बिसाते जंग का हर गोशा मुजाहिदीन के हक में था पहला रमजान ये उस रमजान की सत्रह तारीख थी जिसमें पहले पहल रोजे फर्ज हुए थे दुश्मन के मुकाबले के लिए तो सत्रह रोजे ही काफी हैं बशर्ते यह के रोजे से मफहूम महज नानोआब से इजतनाब ना हो बल्कि निगाह उसके उस मफहूम पर हो जो आब गुल के पैकरों में बिजलियों की तड़प पैदा कर सकता है हाँ तो सत्रह रमजान सन दो हिजरी मुताबिक तेरह मार्च सन छह सौ चौबीस ईस्वी की सुबह बदर के मैदान में दो सफे एक दूसरे के सामने नबरदाजमा थी और दुनिया में इस हकीकत कुबरा का ऐलान कर रही थी कि इंसानी तकसीम यानी कौमियत का सही मैार क्या है हज़रत नूसलाम से हज़रत ईसा तक के हजरत अम्बिया कराम केवयफ व अहवाल पर एक निगाह डालिए आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह कुफर ईमान ने बाप और बेटे भाई और भाई मियाँ और बीवी खवेश अकारब में एक बदी ही तफरीक करके रख दी थी वो वाक़ फर्दन फर्दन तारीख के सफ़ात पर रूना हुए लेकिन आज वह तमाम के तमाम इन दो सफ़ों में सिमट कर सामने आ गए इंसानी तकसीम का फितरी मैार ये दो सफे जो एक दूसरे के मुकाबल शमशीर बकफ खड़ी थी किन अफराद पर मुश्तम थी उन पर जिनका मुल्क एक था जबान एक थी रंगो नसल एक थी हसबो नसब एक था लेकिन इसके बावजूद एक वजह इफ्तराक थी जिसने इन तमाम वजूह जामियत को मनसूख करके उन्हें एक दूसरे के मद्मकाबल खड़ा कर दिया था और इस तरह दुनिया को बतला दिया था कि कुरान की रूह से कौमों की तशकील किस तरह होती है वो वजह इल्लत तकसीम थी ईमान एक तरफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तहो थे तो दूसरी तरफ मुकाबले में उनका बेटा इधर हजरत हुजैफा रजी अल्ल तनों थे तो सफे गनीम में उनका बाप अतबा इधर हजरत उमर रजी अल्लाह तनो थे तो उधर आप रजी अल्लाह तहो का मामू जिसके खून से आपकी तलवार रंगीन थी इधर हजरत अली रजी अल्लाह ते तो मुखालिफ सफ में उनके भाई अकील नहीं और आगे बढ़िए इधर खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो सामने की सफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा हजरत अब्बास रजील तनों थे और आपके दामाद अबुल आस इधर उमुलन हजरत सूदा रजी अल्लाह थी तो सामने उनके अजीज सुहेल बिन उमर ये थी वो हकीकी तकसीम जो वतन रंग जबान और नस्ल के गैर फितरी हदूद सगुर से मावरा थी हबश के रहने वाले बिलाल रजील्ला तो अपनों में से थे लेकिन हकी की चचा अब्बास गैरों में से रोम का सुहेब यगाना था लेकिन हकी की बेटा बेगाना सफ़े खड़ी हुई तो इमाम जमात हजूर अक्रम सल्ह वसलम ने उन पर तैरती हुई निगाह डाली और एक तीर के इशारे से सफ़े सीधी कं ये जो आप नमाज बाजात के वक्त सफ़े सीधी कर लो की ताक़द सुना करते हैं ये उसी जिंदगी बख्श और हयात आफरीन सुन्नत की पैरवी है अल्फाज मानी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अजा और मुजाहिद की अजा और परवाज है दोनों की इसी एक फिज़ा में करगिस का जहां और है शाही का जहां और ईफा अहद का अदीमन नज़ीर वाकआ ऐन उस वक्त हुजैफ़ा बिन अल अलमान रज़ील्ल्ला त और अबू हुसैैन रज़ील्ला दो सहाबी दौड़ते दौड़ते सफ़ों में शामिल हुए ये कहीं दूसरी तरफ से आ रहे थे ऐसे मौके पर लश्कर में एक आदमी का इजाफा भी हजार मुसर्रत का बायस होता है मुजाहिदीन को बड़ी खुशी हुई हुजूर के दरियाफ्त करने पर उन्होंने कहा कि वो किसी और तरफ से आ रहे थे रास्ते में कुफ्फार ने रोका कि तुम मोहम्मद की मदद को जा रहे हो उन्होंने इनकार किया और वादा किया कि वो इस जहाज़ में शिरकत नहीं करेंगे इस तरह वो मुजाहिदीन से आकर मिले हैं आप वसल्लम ने सुना तो फरमाया कि तुमने उनसे अदम शिरकत का वादा किया है तो इसका ईफा करना जरूरी है तुम जिहाद में शरीक नहीं हो सकते फिक्र ना करो हमारी मदद अल्लाह करेगा गौर फरमाइए बुलंदी किरदार और हुसन सीरत की इस कदर ताबिंदा मिसाल कहीं और भी मिलती है कुरानी तफासल अब इस मार्काय हक वबातल की मजीद तफसीत कुरान करीम के अल्फाज में सुनिए चूंकि खैर शर की आवेजिश में यह जंग बड़ी असासी अहमियत रखती है इसलिए कुरने करीम ने शराबस्त से इसका तस्करा किया है और पूरी की पूरी सूरह अनफाल गोया इसी के कोविफो अवातिफ पर मुश्तमिल है बात यहां से शुरू होती है कि मदीने में यह इतला आ चुकी थी कि एक तरफ से कुरैश का काफला आ रहा है और दूसरी तरफ से उनका लश्कर जर्रार अब फितरी तौर पर लोगों का रुझान तबीयत इस तरफ होगा कि अगर मुकाबला होना है तो काफले वालों के साथ हो क्योंकि इस बेसर सामानी के आलम में जो इस वक्त मदीने के मुसलमानों पर मुसलत थी कुरैश के जुनूद असाकर का मुकाबला मुश्किल नजर आता था लेकिन दीन का तकाजा था कि हक वातिल का फैसला मैदान जंग में हो जाए और रऊसा कुरैश अपनी क़ुत के जोम बातिल पर जो इस कदर हक की मुखालफत पर तुले हुए हैं उन्हें मालूम हो जाए कि हक की इस आवाज को दबा लेना آسان نہیں چنانچه یہ تھا وہ فیصلہ جس کے مجاہدین کی یہ بے سر و سامان جماعت گھر سے نکلی. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اس معاملے میں بھی ویسا ہی سمجھو جس طرح جنگ بدر میں یہ بات ہوئی تھی کہ تو اپنے پروردگار کے پروگرام کے مطابق حق کے ساتھ مدینے हालांकि तुम्हारी जमात में एक ग्रोह ऐसा भी था जिस पर यह फैसला नागवार गुजरा था वो तुझसे इस बाब में झगड़ते थे हालांकि मामला वाजे हो चुका था वो बाहर निकलकर मुकाबला करने से इस दर्जा ना खुश थे गोया उन्हें जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेला जा रहा है और वो अपनी मौत अपनी आंखों से देख रहे हैं फिर जब तुम आगे बढ़े तो हालात बता रहे थे कि खुदा के उस वादे के मुताबिक जो उसने ईमान आम आलह के बदले में इस फिल अर्द के मुताल कर रखा है तुम मुकाबल के दो ग्रोहों में से एक पर जरूर गालिब आ जाओगे उस ग्रोह की जो जंग नहीं करना चाहता था ये ख्वाहिश थी कि मुकाबला उस ग्रोह के साथ हो जो मुसल्ह नहीं था इसलिए लड़ाई की ताकत नहीं रखता था लेकिन खुदा के कानूनी मशीयत का तकाजा यह था कि तुम्हारा मुकाबला उनके लश्कर से हो ताकि ये बात साबित हो जाए कि हक बातिल पर किस तरह गालिब आया करता है और इससे इनकार और सरकशी करने वालों की जड़ कैसे कट जाया करती है और यूं हक हक और बातिल बातिल, बातिल बनकर दुनिया के सामने आ जाए ख्वाह मुजरिमीन पर यह बात कैसी ही नागवार क्यों ना गुजरे अब हम मैदान जंग में जा पहुंचते हैं दोनों जमातें आमने सामने सफ हैं एक तरफ तागोती क़वतें अपनी पूरी शौकत व शिद्दत के साथ आमादा पैकार हैं दूसरी तरफ खुदा परस्तों की यह मुख्तर सी जमात जो तीन सौ तेरह नफूस पर मुश्तमिल है बेसाजो यराक हक और सदाकत की मदाफियत और हिफाजत के लिए सरबकफ सामने खड़ी है जाहिर है कि आज का मार्का इंसानियत की तारीख में एक अजीम शान इनकलाबा करने वाला है मामले की नज़ाकत और इस वाक़ अजीम की अहमियत के एहसास से नबी इक्रम आलम था कि फौजें मैदान में हैं और हजूर अक्रम सुदाए नासर उम की बारगाह आलिया में झोली फैलाए खड़े हैं जिसके कानून की रफ़ाकत और तइद के बगैर जिंदगी के किसी गोशे में भी कामयाबी और कामरानी नसीब नहीं हो सकती झोली फैलाई हुई है और महवियत का ये आलम है कि रिदाय मुबारक कंधों से गिर गिर पड़ती है और आपको ख़बर तक नहीं होती इसी वालिहाना जज्बो इनहमाक से बहजूर रबुल्जत अर्ज करते हैं कि बारहा अगर ये मुठ्ठी भर जमात आज मिट गई तो फिर कयामत तक तेरी अबूदियत इख्तियार करने वाला कोई नहीं रहेगा मांगने वाले ने इस इलाह से मांगा और देने वाले ने इस बजले करीमाना और तरह में खुसरुवाना से नवाजा और कहा कि हमने तुम्हारी बात सुन ली है तुम घबराओ नहीं अगर दुश्मन का लश्कर एक हजार पर मुश्तमिल है तो हम तुम्हारी मदद एक हजार मलाइका से करेंगे जो मुसलसल आएंगे यूं कायनातीवतें तुम्हारी मदद करेंगी मलाइका की मदद ये मलाइका क्या करेंगे क्या मुसलमानों से कहेंगे कि तुम जाओ आराम से घरों में बैठो हम इन दुश्मनों से खुद ही निपट लेंगे नहीं खुदा की नुसरत इस तरह नहीं आया करती उसकी नुसरत दिलों में तमानियत यकीन की बाहर आफनी जन्नतें बसा देती है और दिलों की हालत बदल जाने से खारजी दुनिया अज खुद बदल जाया करती है मैदान जंग में जिस चीज पर फतह शिकस्त का मदार है वो सिपाही की रूह है अगर उसे अपने मकसद की सदाकत पर यकीन है और इस तरह उसे जमीयत खातिर नसीब है तो वो दुश्मन के जम गफ़ीर का मुकाबला कर सकता है इसी का नाम मलाइका की ताइद थी वो इल्ला वो इल्ला मिन अल्लाह ने इस नुसरत के वादे को तुम्हारे लिए खुशखबरी बना दिया ताकि तुम्हें इससे इतमान कलब हासिल हो जाए हकीकत यह है कि फतेह नुसरत कानून खुदाबंदी के मुताबिक मिलती है वह कानून जिसमें क़वत और तदबीर दोनों मौजूद होती हैं सूर्य आल इमरान आयात एक सौ बाईस त एक सौ छब्बीस में इस हकीकत की वजाहत यह कह कहकर कर दी गई है कि नजूल मलाइका से मकसूद जमात ममिन के दिलों में सुकून और इतमीन पैदा करना था चुनाचे इससे उनके अंदर एक नफसियाती तब्दीली पैदा हो गई वाज रहे कि मलाया की ये ताइद मार्का बदर ही से मखसूस न थी कुरान करीम हमें बताता है कि जहाँ और जब भी यकीन मोहकम के साथ इस्तकामत शामिल हो जाए मलाइका की इस कस्म की तइद हो जाती है सूर हामीम सजदा में है

उनके लिए बायस तकवीत बनती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम किसी किस्म का खौफ ना करो ना ही अफसरदा खातिर हो तुम्हारे लिए उस जन्नती माशरे की खुशखबरी है जिसका तुमसे वादा किया गया है हम इस दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे रफीक हैं और आखिरत में भी तुम्हारे रफीक होंगे उस जन्नती जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जिसे तुम तलब करोगे इसी को दूसरी जगह खुदा और उसके मलायका के मुमिनीन पर दुरूद भेजने से ताबीर किया गया है बारिश इस तशरी के बाद फिर बदर के मैदान की तरफ चलिए इसके साथ ही खारिजी दुनिया में भी एक ऐसा वाक्य रूनमा हो गया जिससे फिजा मुसलमानों के लिए साजगार हो गई कुरैश चूंकि बदर की वादी में पहले आ पहुंचे थे इसलिए उन्होंने पानी के चश्मे पर कब्जा कर लिया था इससे मुसलमानों को फितरतन तरद हुआ फिर इस वादी में ज़मीन रेतीली थी जिससे प्यादा फौज के पांव रेत में धसे जाते थे और मुसलमान तमाम तर प्यादा ही थे लड़ाई की रात बारिश हो गई जिससे मुजाहिदीन के पास पानी की भी अफरात हो गई और जमीन की भी हालत बदल गई उनका खौफ अमन में बदल गया तो वो नहायत इतमान से रात भर सोए और सुबह ताज़ा दम मैदान में आ गए इस कैफियत को सूरह अनफाल की आयत ग्यारह ता बारह में बड़ी वजाहत से बयान किया गया है मुजाहिदीन की इसी किस्म की नफसियाती तब्दीली का असर होता है जो उनकी तादाद की कमी और सामान की किल्लत की तलाफी कर देता है और उनमें का एक एक सिपाही मुखालफन के दो दो सिपाहियों और बसा औकात दस दस पर भारी हो जाता है जैसा कि उसी सूरत की आयात पच्चीस और छब्बीस में बताया गया है यही वो फर्क था जो नुमाया तौर पर मैदान बदर में सामने आ गया सरदारानुरैश और उनके लश्कर अपनी तादाद के नशे में सरशार थे और फरीक मुकाबिल की तादाद की किल्लत और सामान और असलहे की कमी के पेश नजर उन्हें खातिर ही में नहीं लाते थे सबात यकीन इधर मुजाहिदीन के दिल इस्तकामज्म और यकीन सबात से ऐसे मजबूत हो चुके थे कि वो फरीक मुखालिफ की तादाद से घबराते ही नहीं थे उन्हें एक तरफ खुदा के उस वादे पर कि एक मर्द मोमिन दो दो कुफ्फार पर गालिब आ जाता है ऐसा पुख्ता ईमान था और दूसरी तरफ अपनी कामयाबी पर ऐसा मुहकम यकीन कि दुश्मनों की तादाद उन्हें अपनी तादाद से ज्यादा से ज्यादा दुगनी दिखाई देती थी यानी उनकी असली तादाद से एक तिहाई कम कुरान करीम ने इस हकीकत को दो मकाम पर बयान किया है एक सूर्य आल इमरान की आयत नंबर बारह में और दूसरे सूर्य अनफाल की आयत नंबर तैतालीस और चवालीस में उनमें बताया गया है कि मुसलमानों की तादाद फरीक मुखालिफ से पहले ही कम थी लेकिन कुफ्फार के नशे तो तकबर ने यह कह कहकर इस तादाद को और भी कम कर दिखाया कि यह बेसर सामान मुठ्ठी भर जमात है ही क्या इसे हम अभी कुचल देंगे दूसरी तरफ मुसलमानों ने अपने नसबुलैन की सदाकत और अज्म इस्तक की बिना पर उन्हें अपने से ज्यादा से ज्यादा दुगना ख्याल किया जिस पर गालिब आना वाद खुदाबंदी की रूह से यकीनी था सिपाहियों की कलबी कैफियत यूं बिसाते मुसाफ उलट दिया करती है साबित की ताकीद अब फौजें आमने सामने हैं इधर रजी अल्लाह की वो जमात है जिसका ईमान सारी दुनिया के के लिए नमूना है लेकिन उन्हें भी ताकिद की जाती है कि याद रखो जो बातिल के मुकाबले में पीठ दिखावेगा सीधा तबाही और बर्बादी के जहनम में चला जाएगा

या अपनी जमात की तरफ पना जोई के लिए रुख करे तो समझ लो कि वो खुदा के अजाब में आ गया और उसका ठिकाना दोजक हुआ और जिसका ठिकाना दोजक हुआ तो उसके पहुंचने की जगह क्या ही बुरी जगह है इतात जब तफ्स इस्तकामत और ईसार और हक की मदाफियत में बातिल के मुकाबले की इससे बढ़कर और क्या मिसाल होगी अब फौजें बहम दिगर गुत्थम गुत्था हो गई इस मकाम पर एक अहम नुकते का समझ लेना जरूरी है हम पहले बता चुके हैं कि इंसानी दुनिया में खुदा का प्रोग्राम इंसानी जमातों के हाथों जल तर तकमील तक पहुंचता है जमात मुबमिन इसी मकसद के लिए वजूद में आती हैं इसकी जिंदगी इसकी मौत सब उसी के प्रोग्राम की तकमील के लिए वक्फ होती है इसीलिए यह जमात उस प्रोग्राम की तकमील में जो कदम भी उठाती है अल्लाह ताली उसे खुद अपने अमल से ताबीर करता है

फिर क्या तुमने उन्हें जंग में कत्ल किया नहीं खुदा ने किया ए रसूल वहां तीर अंदाजी तुमने नहीं की दर हकीकत खुदा ने की थी और यह इसलिए हुआ ताकि इसके जरिए ईमान वालों की मेहनतों का महासल और जिंदगी का खुशगवार पहलू उनके सामने आ जाए बिलाशुबा अल्लाह सुनने वाला इल्म रखने वाला है तुम उन्हें कत्ल नहीं कर रहे थे खुद खुदा का कानून का उनके आमाल के नतज उनके सामने ला रहा था तलवारें तुम्हारी थी लेकिन कानून इलाही का हाथ था जो उन्हें चला रहा था तीर तुम्हारे थे लेकिन कानून मशीयत के फैसले थे जो कजाए मुबरम बनकर उनकी अनियों के साथ लिपट रहे थे गालिब ने इस हकीकत को कैसे हसीन और बलीग अंदाज में बयान किया है जब कहा है कि तीर कज़ा हर आई नज तरकश हक अज लेकिन कशूद आ ज कमान मोहम्मद अस्त खुदा और अब मोमिन के बाहमी ताल्लुक का इजहार इससे बेहतर अंदाज में शायद ही कहीं और किया गया हो खुदा के तरकश के तीर इंसानी कमानों से निकलकर ही हक के दुश्मनों के सीनों में पैवस्त होते हैं बहरहाल थोड़े ही अरसे में सरदार लश्कर अतबा बिन रबिया उसके बेटे वलीद और भाई शीबा की लाशें मैदान में थी अबू जहल के जिसकी अदावत और सरकशी की दास्तान मिसल बन चुकी थीं अंसार के दो नौजवान भाइयों मऊज और माज की तलवार से पैवस्त ज़मीन हो गया सरदारान लश्कर के कत्ल से कुरैश के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने हथियार डाल दिए मुसलमानों में से चौदह मुजाहिदीन ने शहादत पाई कुफ्फार के सत्तर आदमी कत्ल और इसी कदर गिरफ्तार हुए असीरा ने जंग में हजरत अब्बास अकील और हजूर अक्रम सल्हम के दामाद अबुल आस भी थे हक बातिल के इस पहले मार्के में यूं हक गालिब आया और बातिल हुआ। और ये अभी तुम्हारी पहली फता है इसके बाद अल्लाह काफिरों की मख् तदबीरों को जो दावत हक के मिटाने के लिए कर रहे हैं ना मुराद बना देने वाला है इसके बाद कुरान करीम निगाहों का रुख असल हकीकत की तरफ फेर देता है वह रऊस से कहता है कि तुम बात का फैसला अफहमो तफहीम से नहीं बल्कि शमशीर सना के जरिए चाहते थे सो ये लो फैसला तुम्हारे सामने है इसे देख लो और आइंदा के लिए फैसला कर लो कि हक व सदाकत की इस तहरीक की मुखालफत इसी तरह किए जाओगे या अपने तमरद और राउूनत से बाज आ जाओगे إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أي رؤساء مكة اگر تم فتح مدي کے ظہور کے طلبگار تھے تو دیکھ لو فتح हार जीत का फैसला आशकारा कर दिया अगर तुम आइंदा लड़ाई से बाज आ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतरी की बात है लेकिन अगर तुम फिर यही चाल चले तो हम भी ऐसा ही करेंगे और याद रखो तुम्हारा जत्था तुम्हारे कुछ काम ना आएगा अगरचे बहुत से आदमी इकट्ठे कर लो यकीन करो अल्लाह ईमान वालों के साथ है जंग के कैदी असीरा ने जंग के मुताल चूंकि अभी तक कोई बात तय नहीं हुई थी इसलिए उन्हें बतौर सरकारी मेहमान रखा गया और इस गर्ज के लिए दो दो चार चार करके उन्हें साहबा रजील्ला में बांट दिया गया उनके पास कपड़े नहीं थे इसलिए सबसे पहले कपड़े फराम किए गए हजरत अब्बास रजील्ला कशीदा कामत थे इसलिए किसी का कुर्ता उनके बदन पर पूरा नहीं आता था अब्दुल्ला बिन उबी ने जो खुद दराज कद था अपना कुर्ता मंगा कर दिया हजरत अब्बास रजील्ला नबी अक्रम सल्ला के चचा थे जरा इस एहसास को उबी तमाम उम्र इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता रहा लेकिन उसकी वफात पर नबी अक्रम सल्ह ने खुद अपना कुर्ता कफन के लिए भेजा और बुखारी की रिवायत के मुताबिक ये कुर्ता उसी कुर्ते के बदले में था कैदियों में एक शख्स सुहेल बिन उमर था जो फसी उल्लिसान होने की वजह से आम मजमों में नबी अक्रम सम के खिलाफ तकरीरें किया करता था हज़रत उमर रज़ी तु तजवीज़ किया कि इसके सामने के दो दांत उखड़वा दिए जाएं ताकि ये आइंदा तकरीर करने के काबिल न रहे ये चूंकि ज़ाती इंतकाम हो जाता इसलिए हजूर अक्रम सल्ह ने इसकी इजाज़त न दी कैदियों के साथ किस तो का सलूक होता था इसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगाइए जिसे खुद एक कैदी अबू अजीज़ ने बयान किया है वो कहते हैं कि जिस अंसारी ने मुझे अपने घर मेहमान रखा था उनकी हालत यह थी कि वो सुबह शाम खाना लाते तो खाना मेरे सामने रखते थे और खुद खजूरों पर गुजारा करते थे मुझे शर्म आती और मैं रोटी उनके हाथ में दे देता लेकिन वो उसे हाथ भी ना लगाते और जबरदस्ती मुझे खिला देते ये था कैदियों के साथ सलूक अल्लाह अकबर तरबियत नब्बी सल्हु ने इन वहशी कबाइल के अफराद को क्या से क्या बना दिया था चूंकि कैदियों के मुतिक अभी तक खुदा की तरफ से कोई हुक्म नहीं आया था इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह रजील्ला तहों से मशवरा किया हजरत उमर रजी अल्लाह तनों की राय थी कि कैदियों को कत्ल कर दिया जाए बल्कि यहां तक कि हर शख्स अपने रिश्तेदार कैदी को खुद कत्ल कर दे ताकि यह फितना हमेशा के लिए पाक हो जाए लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अल्ल् तनों की राय यह थी कि इनसे ज़र फ लेकर छोड़ दिया जाए हज़ूरम सल्हसम ने इसी राय को पसंद किया और कैदियों से ज़र फिदिया लेकर रिहा कर दिया गया जो नादारी की वजह से ज़र फिदिया न दे सके उनसे कहा गया कि वो दस, दस दस बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें जो ऐसा भी ना कर सकते थे उन्हें एहसानन छोड़ दिया गया जिनसे ज़र फ लिया गया उनके मुतक फ़रमाया गया इन फी खेरं खेरं रहीम। रसूल इन कैदियों से जो तुम्हारी गिरफ्त में आ चुके हैं कह दो कि अगर हमने देखा कि तुम्हारे दिल में खैर संगाली के जज्बात मौजूद हैं तो जो कुछ तुमसे लिया गया है तुम्हें इससे बेहतर वापस दे दिया जाएगा और तुम्हारी हर तरह से हिफाजत की जाएगी कानून खुदाबंदी में हिफाजत और मरहमत का सामान मौजूद है यह अजीब हुसन इतफाक है कि बाद में जब कुरान में कैदियों के मुतालिक आया तो वो भी इसी के मुताबिक था यानी हुक्म यह था कि जंग के कैदियों को या तो फिदिया लेकर रिहा कर दो या बतौर एहसान दिल के नरम गोशे की धड़क अहले मक्का ने अपने कैदियों का फिदिया अदा कर दिया इन कैदियों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत ज़ैनब रजील्ला के अबुल आस भी थे जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे हज़रत जैनब रजील् तालन भी अभी मक्का ही में थीं। आखिर रसूल की बेटी थीं दिल के नाजुक गोशों पर निगाह रखती थीं। आपकी शादी के वक्त माँ हजरत खदीजतुल्कुबरा ने एक हार बतौर जहेज दिया था शोहर का ज़र फ भेजा तो उसके साथ ही वो हार भी भेज दिया उस हार ने जमाने की तनाबों को 20-25 बरस पीछे खींच दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफाशुआर बीवी की दफाकत याद दिला दी जिसने तमाम मसाइब व मुश्किल में बड़ी जिगर सोजी और दिलदोजी से साथ दिया था गुजरे हुए वाकयात एक एक करके सामने आ गए और अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें पुरनम हो गईं जरा हजू अक्रम मकाम को सामने रखिए बहसीत रसूल और अमीर मिलत मुसलमानों के मालो जान के मुख्तार हैं किसी की मजाल नहीं कि आपके फैसलों से सरताबी तो एक तरफ दिल में गिरानी भी महसूस करे जी चाहता है कि उसकी मां की यादगार हार बेटी को वापस दे दें लेकिन उसूल परस्ती का आलम यह है कि खुद फैसला नहीं फरमाते साहबा रजी अल्लाह तहते हैं कि अगर तुम राजी हो तो इस हार को वापसी लौटा दिया जाए सब ने सर तस्लीम खम कर दिया और हार वापस कर दिया गया सबसे पहली ईद माह रमजान में नजूल कुरान का आगाज हुआ था इसलिए जिसे ईद उल फितर कहा जाता है वह दर हकीकत जश्न नजूल कुरान है इससे पहले मक्की जिंदगी थी मदनी जिंदगी में अपनी आजाद मुमलिकत की बुनियाद रखी गई इसके बाद यह पहली जंग थी जो रमजान के महीने में लड़ी गई और उसमें ऐसी नुमा कामयाबी हुई इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह ईद किस कदर मुसरतों और शाद कामियों की ईद होगी नजूल कुरान के जश्न की ईद बदर की कामयाबियों और कामरानियों की ईद यानी उस वक्त की दुनिया में सबसे पहली इस्लामी मुमलिकत की ईद ईद कहलाना उसी के शायन शान था ना कि हमारी रस्मी ईदों का ईद आज़ादा, शिकोहे मुल्क मुल्को दी ईद महकुमा हजूमिनी बदर की शिकस्त ने कुफार के दिलों पर मुसलमानों की हैबत बिठा दी और इस तरह बातिल का वो कर फर जो अपनी सरकशी और अनाताबी में किसी को खातिर में नहीं लाता था हक के साथ पहली ही टक्कर में बुरी तरह मजरू हुआ और यही थी वो पहली फतह जिसकी याद मुसलमानों को बाद में इन अल्फाज में दिलाई जाती थी واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون اور إيه پیروان دعوت إيماني وہ وقت یاد کرو جب مکہ میں تعداد بہت तुम उस वक्त डरते थे कि कहीं लोग तुम्हें उचक करना ले जाएं। फिर अल्लाह ने तुम्हें मदीने में ठिकाना दिया अपनी मददगारी से कुत बख्शी और अच्छी चीजें देकर रिस्क का सामान मुहैया कर दिया ताकि तुम शुक्र गुजार रहो नेमाए खुदाबंदी के दोनों गोशों पर निगाह डालिए फ तुम्हारी हिफाजत का सामान किया लेकिन असल मकसद इतना ही नहीं था कि तुम किसी महफूज मकाम पर पहुंचकर महसूर हो जाओ बल्कि मकसद ये था कि तागोती कुतों की सरकोबी हो जाए ताकि दुनिया में कवानी को अदल का नफाज हो इसके लिए तुम्हारे बाजुओं में कोहे शिक्न कुत अता फरमाई व अयद कुम्बी नसरी ही जिससे तुमने सरकशी व उदवान के बढ़ते हुए कफे बदहान सैलाब को रोका और इस तरह तुम्हें आजादी की फिजा में रिज तैयब अता हुआ रजा का कुम्ब तैयबा थी कि रिस्क तय्यब फिलहकत उसी कौम के नसीब में है जो उस फिजा में सांस ले जो तागोती हुक़ूमतों के इंसानियत कुछ जरासीम से पाक हो और उसे उसकी मैराज कुबरा तक पहुंचने के लिए इसने बाल कुशाई दे गुलामी का रिस्क तो वो जकूम है जिसे अहले जहन्नम का मुकद्दर बताया गया है उस रिस्क से तो दम घुट के मर जाना अच्छा है कि जहर आलूद नाने शीरी से फाका हजार दर्जे बेहतर है ए उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही जंग ओहद चौदह शवाल तीन हिजरी बामुताबिक उनतीस मार्च छह सौ पच्चीस ईस्वी बदर की शिकस्त ने कुरैश की आतिश खामोश को शोले ज्वाला में बदल दिया जिनके अकरबा मारे गए थे उनके सीने जोश इंतकाम से जहन्नुमजार बन गए वो सब मिलकर अबू सुफियान के पास गए और यह फैसला किया कि शाम के काफले के सामान तजारत में से रासुल माल तो हिस्सेदारों को वापस दे दिया जाए लेकिन जर मुनाफा मकतूरी ने बदर के इंतकाम के लिए अलग रख दिया जाए इसके बाद उन्होंने फिर हमले की तैयारियां शुरू कर दीं अपने कौमी शायरों को मुल्क के तूलो अर्ज में भेजा कि वह अपनी आतिश नवाइयों से सारी फिजा को मुश्तल कर दें बदर की लड़ाई में औरतें साथ नहीं गई थीं इस मरतबा बड़े बड़े ऊंचे घरानों की औरतें भी फौज की माइत में तैयार हो गईं ताकि मैदान जंग में मर्दों को गैरत दिलाएं और उनके पांव ना उखड़ने दें इस साजो सामान और शिकोह सितवत के साथ बातिल का यह बहरे मवाज शवाल तीन हिजरी में मदीने की तरफ उमड़ा हजूर अक्रम सल्ह वसलम ने इतला पाने पर सहाबा से मशवरा किया अकाबर साहबा रजिला की राय थी कि औरतों को किलों में भेज दिया जाए और ख़ुद शहर के अंदर पनागीर होकर मुकाबला किया जाए अब्दुल्ला बिन उबी ने भी यही राय दी लेकिन नौजवाना ने मिल्ल के शौक शहादत का यह आलम था कि सीना शमशीर से बाहर है दम शमशीर का उन्होंने इसरार किया कि शहर से बाहर निकलकर मुकाबला करना चाहिए उनके इसरार पर हजूर अक्रम सल्ह वसलम ने भी बाहर निकल कर लड़ना मंजूर कर लिया कुरैश का लश्कर मदीने से डेढ़ दो मील बाहर कोहे ओहद के करीब आ चुका था हुजूर हजूर अक्रम सल्लाम एक हजार की जमीयत के साथ बाहर निकले जिनमें अब्दुल्ला बिन उबी की तीन सौ की जमात भी थी जो बनू सलमा और बनू हारिस के कबाइल पर मुश्तमिल थी ये रईसलमुनाफिक ये कहकर रास्ते से अपनी जमात समेत वापस लौट आया कि चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मैं साथ नहीं जाना चाहता अब हजूर अक्रम सल्लाम के साथ सात सौ की जमात रह गई उनमें कमसिन बच्चों को वापस कर दिया गया शौक शहादत बदर की तरह यहां भी बच्चों का शौक शहादत इस फैसले के नफाज कुल्ली में इनागीर हो गया जब राफे बिन खदीज से कहा गया कि तुम छोटे हो वापस चले जाओ तो वह पंजों के बल तन कर खड़े हो गए कि कद बड़ा नजर आए उन्हें इजन माइ्य दिया गया तो एक और नौजवान समरा जो उनके हमसिन थे मुसिर हो गए और उन्होंने यह दलील दी कि मैं राफे को लड़ाई में पछाड़ लेता हूं अगर इन्हें इजाजत दी गई है तो मुझे क्यों महरूम रखा जाता है चुनाचे उनका मुकाबला कराया गया और समरा ने राफे को जमीन पर गिरा दिया इस बिना पर उन्हें भी इजाजत दे दी गई हजूर अक्रम सल्ह वसलम ने ओहद को पुश्त पर रखकर सफ़े कायम की पुश्त की तरफ से दुश्मन की यूरिश का खतरा था लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों का दस्ता उस तरफ मुतयन फरमाया और ताक़ीद फरमा दी कि कुछ भी हो वो अपनी जगह से ना हटें फतह मुबद्दल बशिकस्त जंग शुरू हुई अगरचे मुकाबले में तीन हजार का लश्कर था जिसमें करीब दो सौ सवार भी थे लेकिन ये जमीयत भी मुजाहिदीन का मुकाबला क्या कर सकती थी थोड़े ही अरसे में उनके पांव उखड़ गए और वह मैदान छोड़कर भाग निकले लेकिन ऐन उस वक्त एक ऐसा वाक हो गया जिसने इस फतह को मुबदल ब शिकस्त कर दिया तीर अंदाजों का वो दस्ता जो पुश्त पर हिफाजत के लिए मुतयन किया गया था जब्त न कर सका और माले गनीमत लूटने के लिए अपनी जगह छोड़कर मैदान में आ गया उनके सिपा सालार हजरत अब्दुल्ला बिन जबी रजियला ने बहुत रोका लेकिन वो न रुके उनके साथ सिर्फ चंद जाबाज रह गए तीर अंदाजों की जगह खाली देखकर खालिद ने पीछे से हमला कर दिया मुजाहिदीन मैदान में बेखतर माले गनीमत समेटने में मसरूफ थे देखा तो सर पर तलवारें बरस रही हैं ऐसी परेशानी फैली कि अपने बेगाने की खबर न रही हजरत मसब बिन उमैर रजी अल्लाह हो जो रसूल्लाह से सूरत में मुशाबा थे शहीद हो गए तो गुल मच गया कि रसुल्ला सल्लास ने शहादत पा ली है इससे रहे सहे औसान भी खता हो गए इस अजराब और बदहवासी में यह भी याद न रहा कि खुद रसूल्ला कहाँ हैं अब्दुल्ला बिन कमिया जो कुरैश का मशहूर बहादुर था किसी तरह वसल्लम के करीब आ गया और चेहरे मुबारक पर तलवार मारी जिससे मखफर की दो कड़ियां चेहरे मुबारक पर चुप कर रह गईं इतने में शमय नबूत के परवानों ने हजूर अक्रम वसल्लम को अपने घेरे में ले लिया नेज़ों और तलवारों की बोछाड़ हो रही थी लेकिन ये जानसार सबको अपने सीनों पर ले रहे थे ताकि हजूर सल्ला वसलम उनकी जद से महफूज रहें मुखालफिन ये कुछ कर रहे थे और उधर हजूर अक्रम सल्ह वसल्लम की जबान पर ये अल्फाज थे रब कौमी ला ए खुदा मेरी कौम को माफ कर दे कि वो जानते नहीं हैं हजूर अक्रम सीर सना की इस बारिश के बावजूद साबित कदमी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए जहां दुश्मनों की रसाई न थी अबू सुफियान खुश था कि रसोल्ला ने शहादत पा दी है उसने मुकाबिल की पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा के ओल हबल हबल का बोल बाला हो साहबा अल्लाह ने हुजूर के हुक्म से जवाब दिया कि अल्लाह आला व अजल बाला तो अल्लाह का बोल है अबू सुफियान ने कहा कि लनल उज्जा लकुम हमारे पास उजा बुत है तुम्हारे पास नहीं साहबा अल्लाह ने कहा कि अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम खुदा हमारा आका है तुम्हारा कोई आका नहीं कुरानी तफसील अबू सुफियान को जब मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं हुए जिंदा हैं तो अपनी फौज समेत वापस चला गया कुरान करीम ने واقعہ احد को इन अल्फाज में बयान किया है वलाकद सदकककुम अल्लाह वाअदाहु इذ तहसुनहुम बीइذنی hatta इदा فشिल्तुम वतानाजाअतुम फिलअम وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اور دیکھو یہ واقعہ ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ نصرت پورا کر دکھایا تھا جبکہ تم اس کے حکم سے دشمنوں کو کر رہے تھے اور ہر طرح جیت लेकिन जब हमने तुम्हें फतामंदी का जलवा दिखा दिया जो तुम्हें इस कदर महबूब है तो तुमने कमजोरी दिखलाई और जंग के बारे में बाहम दिगर झगड़ने लगे एक ग्रोह ने कहा अब मोर्चे पर ठहरने की क्या जरूरत है दूसरे ने कहा नहीं हम तो आखिर तक यहीं जमे रहेंगे और बिलाखिर अपने कमांडर के हुक्म से नाफरमानी कर बैठे तुम में कुछ लोग ऐसे थे जो मफाद आजला के ख्वाहिशमंद थे यानी माले गनीमत के पीछे पड़ गए लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी नजर मुस्तकबिल पर थी यानी माले गनीमत से बेपरवाह होकर अपनी जगह पर जमे रहे और शहीद हुए यूं तुम्हारा रुख दुश्मन की तरफ से हटकर दूसरी तरफ हो गया और तुम्हारी फतह शिकस्त से बदल गई और इस तरह तुम्हारी हकीकत वाशगाफ हो गई इसके बाद तुमने अपनी गलती को महसूस किया और फिर अपने मकाम पर वापस आ गए तुम्हें कामयाबी हासिल हो गई और इस तरह तुम्हारी लफ्जिश के आसार मिट गए अल्लाह का कानून यही है कि एक बार की लफ्जिश से इंसान हमेशा के लिए कामरानियों से महरूम नहीं हो जाता वो जब भी गलती का एहसास करके सही रास्ते पर आ जाए खुदाई नवाजिशात से बहरायाब हो जाता है ये दो जमातें तीर अंदाजों के दो ग्रोह थे एक ग्रोह वो जो अपने अमीर के हुक्म के खिलाफ माले गनीमत पर टूट पड़ा दूसरा वो जो इसके साथ अपनी जगह पर जमा रहा उस वक्त हालत यह थी कि

यूं तुम्हें नुकसान पर नुकसान हुआ इससे मकसद ये था कि तुम आइंदा के लिए नसीहत पकड़ो अपने मकाम से अज खुद कभी नहीं हिलना चाहिए अगर तुम देख रहे हो कि कोई चीज तुम्हारे हाथों से निकली जा रही है तो उसके पीछे लपक न पड़ो या अगर कोई सख्त मुसीबत आ रही है तो इससे घबरा कर अपना मकाम ना छोड़ दो खुदा अच्छी तरह जानता है कि तुम क्या कर रहे हो फिर जब नबी अक्रम समन हिफाजत से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और अबू सुफियान का लश्कर लौट गया तो मुसलमानों को इतमान नसीब हुआ अब जो माफात पर तबसरा शुरू हुआ तो ऐसे कमज़ोर दिल लोग भी थे जो इसे तरह तरह के जनून व अवहम पर महमूल करते थे सूर्य आल इमरान की आयात एक सौ पचपन से एक सौ सतहत्तर तक में इन तमाम वाकयात को तफसील के साथ बयान किया गया है और इसके साथ ही जरूरी हदायात भी दी गई हैं कि आइंदा ऐसे हालात में क्या करना चाहिए खातन की शिरकत इस जंग में कई एक खात इस्लाम ने भी शिरकत की हजरत आयशा रजी तहा के मुतालिक रिवायत है कि आप मशकें भर भर कर लाती थीं और जख्मियों को पानी पिलाती थीं। हजरत उम्म अम्बारा रजी तना के मुतालिक मनकूल है कि जब नबी अक्रम सला को दुश्मनों ने नरगे में ले लिया तो आपने सिपर बनकर हुजूर को अपनी ओठ में ले लिया और तीरों की बोछाड़ को अपने ऊपर रोकने लगी जब इब्ने कमिया हुजूर अलैहि वसल्लम के करीब आया तो उम्मे अम्मारा ने तलवार से उस पर वार किया वो चूंकि जरा पोच था इसलिए वार से बच गया लेकिन उनकी तलवार से उसके कंधे पर गहरा जख्म आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की गलत खबर मदीना पहुंची तो खुतिन इस्लाम बेताबाना घरों से निकल आईं और मैदान की तरफ चल पड़ी हजरत फातमत ज़ुहरा रजील्ला तहा ने आकर देखा तो हजूर के चेहरा मुबारक से जो मकफर की कड़ियों से ज़ख्मी हो गया था अभी तक खून जारी था हजरत अली रजील्ला तो और आपने मिलकर जख्मों को धोया दूसरी तरफ गैर मुस्लिम खवतिन का यह हाल था कि जब हज़रत हमजा रजियहों को वैशी गुलाम ने शहीद किया तो अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने आकर उनका मसला किया और कलेजा निकालकर कच्चा चबा गई इससे उन लोगों की खुए दरिंदगी का अंदाजा लगाइए हजरत हमजा रजी रजियान की बहन हजरत सफिया रजी रजियन शिकस्त की खबर सुनकर मैदान में आई हुजूर ने इस ख्याल से उन्हें लाश देखने से रोक दिया कि मुबादा भाई की लाश को इस हालत में देखकर जब्त न कर सकें उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना तो कहा कि कोई बात नहीं मैं भाई के मुतल सब माजरा सुन चुकी हूं ये खुदा की राह में कोई बड़ी कुर्बानी नहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी तो आप लाश पर गईं। जान से प्यारे भाई के टुकड़े खाक खून में आगुशत सामने पड़े थे और जब की एक दुनिया आंखों में लिए खामोश वापस आ गई इस लड़ाई में मुसलमानों की तरफ से सत्तर आदमी शहीद हुए मुसलमानों की बेसर का यह आलम था कि शहीदों के कफन के लिए पूरा कपड़ा तक भी मौजूद ना था चुनाचे हजरत मसब बिन उमैर रजील्ला के सर को कपड़े से ढांप दिया गया और पांव को घास से दो दो शहीदों को मिलाकर एक एक कबर में दफनाया गया जिसे कुरान ज्यादा याद होता था उसे मुकदम किया जाता महराज शहादत एक साहब अमरो बिन साबित जो असीरम के नाम से मशहूर थे मुसलमानों के साथ एहसान और मुर्वत से पेश आया करते थे लेकिन इस्लाम नहीं लाए थे गजवाहद के दिन उनके दिल में सदाकत ने जोश मारा मुसलमान हुए और तलवार हाथ में लेकर किसी को खबर किए बगैर सीधे मैदान में जा पहुंचे जहां फरोशाना लड़े और शहीद हो गए उन्हीं के मुतालिक ब हजरत अबू हुरैरा रजी तन मरवी है कि हजूर अक्रम सल्हसम ने फरमायासीरम ने एक वक्त की भी नमाज न पढ़ी लेकिन सीधा जन्नत में चला गया इश्क की एक जस ने तय कर दिया किस्सा तमाम इस जमीन जमीनो आसमां को बेकर समझा था मैं महज कौमियत और हमियत का जज्बा दूसरी तरफ यह वाकया भी काबिल गौर है कि मदीने में एक शख्स था कजमान नामी उसकी मजमूम हरकत इस कदर वाज थी कि हजूर अक्रम सल्ह वसलम फरमाया करते थे कि यह शख्स जहनुमी है गजब अहद के दिन उसने कुरैश का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया अकेले सात आठ मुश्रकों को कत्ल किया साहबर रजियो उसकी बहादुरी पर बहुत खुश थे और हैरान थे कि ऐसे शख्स के मुतल मुखबरे सदक सल्ला वसलम ने कैसे फरमाया कि ये जहनुमी है वह ज़ख्मी हुआ तो साहबर रजिय उसके पास गए और उससे कहा कि कजमान हम तुझे बशारत देते हैं तूने बहुत बड़ा काम किया उसने कहा कि बशारत काहे की यह तो मक्के और मदीने वालों की जंग थी कौमी हमियत ने उभारा और मैं मैदान में आ गया ये ना होता तो मैं कभी ना लड़ता अब साहबा रजील्ला की समझ में आया कि मैदान जंग में मुसलमानों की तरफ से कुफ्फार के मुकाबले में लड़ते हुए जान देने के बावजूद मरने वाला किस तरह जहन्नुमी का जहनुमी रहता है शहादत उसी वक्त है जब जज्ब का हक की मुदाफियत में हो जंगजाबीक पांच हिजरी मदीने के यहूद मैदान बदर में मुसलमानों की फतह ने मुखालिफ अनासर के हौसले फिर जुमला पस्त कर दिए थे लेकिन उन्हें अहद में जो दोबारा शिकस्त हुई तो उसने राख के नीचे दबी हुई चिंगारियों को फिर से हवा दे दी और मुखालफत और अदावत के जज्बात में अज सरे नौ सरगोशियां शुरू हो गईं। अब इन फितना परदाजियों का सबसे बड़ा मरकज खुद मदीना था यह हम पहले देख चुके हैं कि मदीने में यहूदियों का बड़ा असर अकतदार था नबी अक्रम ने उनसे माहिदा कर रखा था लेकिन उनमें मुद्दत हाय दराज की बेमरकजी और गुलामी से दनाया तो सफाहत की ऐसी खराबियां पैदा हो चुकी थीं जिनकी वजह से उन्हें अहद मुआहदे का कोई पास ही ना था फिर मुसीबत बालाय मुसीबत ये कि ये लोग क्रैश की तरह खुली हुई दुश्मनी नहीं करते थे बल्कि मारे आस्तीन बनकर डसते थे मुनाफिकत से मुसलमान हो जाते और इस तरह उनकी जमात में दाखिल होकर तकरीबी साजिशें करते सबसे बड़ा फितना था जो मुसलमानों की इज्तमाही जिंदगी के लिए सीने का नासूर बन गया था कुरान करीम को उठाकर देखिए अहले किताब मुनाफिकीन की इस्लाम बरंदाज साजिशों और इंसानियत कोशो इंसानियत सोज दसी साकारियों की अजमाली और तफसीली दास्ताने हर जगह बिखरी हुई नजर आएंगी उन तफसील का यह मौका नहीं मुख्तसर यूं समझिए मुमिनीन की कौतों का बड़ा हिस्सा इसी फितने के इसतसाल की नजर हो गया मुनाफिकीन की यह रूबाजियाँ उनके अपने दायरे से निकलकर अरबी कबाइल को भी मुतासर कर गईं जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने भी बदअहदी और गद्दारी शुरू कर दी मुस्लिम मुबलान की शहादत सन चार हिजरी का जिक्र है कि कबीला कल्लाब के रईस अबुलबरा ने हजूर अक्रम सल्ह वसम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि चंद मुबल्गी को उसके साथ भेज दिया जाए ताकि वो उसके कबीले को इस्लाम की दावत दें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्तर अनसार उसके साथ कर दिए उन्होंने अपने नुमाइंदे हराम बिन मल्हान को उस कबीले के दूसरे सरदार आमिर बिन तुफैल के पास भेजा आमिर ने हराम को कत्ल कर दिया और खुद आस पास के कबाइल के साथ एक लश्कर लेकर आगे बढ़ा और तमाम साहबा अल्लाह को नरगे में लेकर शहीद कर दिया सिर्फ एक अमर वमैया रजी अल्लाह तला को ये कहकर छोड़ दिया कि मेरी मां ने एक ग़ुलाम आज़ाद करने की मन्नत मानी थी मैं तुझको आजाद करता हूं इस वाक़ फाजिया और हादसा हाइला से हजूर सल्लाम और साहब कब्बा रजील तुम के दिल पर जो कयामत गुजरी होगी उसका अंदाजा हर कल्ब मोमिन लगा सकता है इसी तरह उजल और कारा के दो कबीलों के चंद आदमियों ने आकर कहा कि हमारे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया है चंद आदमियों को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि वो उन्हें इस्लाम के अहकाम सिखा दें आप वसल्लम ने हजरत आसिम बिन साबित रजील्लाह की सियादत में दस सहाबा रजी अल्लाह को साथ कर दिया रास्ते में उन बदब्तों ने गद्दारी की और बनु लईहान के 200 सौ आदमियों को इशारा कर दिया कि उन्हें कत्ल कर दो कुफार की पनाह में नहीं आना चाहते साहबा रजील तलाम ये भाप कर एक टीले पर चढ़ गए तीर अंदाजों ने कहा कि तुम नीचे उतर आओ हम तुम्हें पनाह देंगे लेकिन हजरत आसिम रजी अल्लाह ने कहा कि हम कुफार की पनाह में नहीं आना चाहते सात मुजाहिद तो वहीं शहीद हो गए और तीन को ये कैदी बनाकर साथ ले गए एक को रास्ते में शहीद कर दिया और बाकी दो हजरत खुबैब रजील्लाहो और हजरत जैद रजील्लाहो को अहल मक्का के पास फरोख्त कर दिया हजरत खुबैब रजील्ला तो ने जंग उहद में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था उन्हें उसके लड़कों ने खरीद लिया कि बाप के बदले में कत्ल करेंगे काबिल रश्क शहादत एक दिन ये उन्हीं के घर में हारिस की नवासी को खिला रहे थे बच्ची की मां इतफाकन कहीं से आ गई और देखा कि हजरत खुबैब रजील्ला के हाथ में नंगी छुरी है ये देखकर कांप उठी हजरत खुबैब रजील्ला ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं हम बच्चों को कत्ल नहीं किया करते हारिस के बेटे उन्हें बाहर ले गए और उन्हें कत्ल करना चाह आपने दो रकत नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी उन्होंने इजाजत दे दी उन्होंने नमाज पढ़कर कहा कि जी तो चाहता था कि देर तक नमाज पढ़ता रहूं लेकिन इससे शायद तुम्हें ख्याल गुजरता कि मैं मौत से डरता हूं इसलिए नमाज खत्म करता हूं अल्लाह अकबर ऐन तलवार के नीचे गर्दन रखकर इस कदर तमानियत कल्ब सिर्फ ईमान मुहकम से ही नसीब हो सकती है उसी जमाने से यह दस्तूर हो गया कि किसी को कत्ल करते हैं तो मकतूल दो रकत नमाज पढ़ लेता है हजरत जैद रजील्ला तों को कत्ल करने लगे तो अबू सुफियान ने जो तमाशाइयों के हजूम में खड़ा था कहा कि सच बतलाओ अगर इस वक्त तुम्हारे बदले मोहम्मद सल्ला कतल किए जाते तो क्या तुम इसको अपनी खुशी न समझते उन्होंने कहर आलू निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा कि ओ बदबक क्या कहता है मैं तो अपनी जान को इतना भी अजीज नहीं रखता कि इसके वज़ रसूल सल्लाम के कांटा भी चुप जाए ये था कुरान की तालीम का असर यहूद की अहद शिकनी अब खुद यहूद की तरफ आइए। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है उनके तीन कबीले बनु कनीका नुजैर और करीजा मदीने में थे जिनसे हजूर अक्रम सल वसलम ने माहिद अमन इतिहाद किया था उस माहे को सबसे पहले कनीका ने तोड़ा और मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका महासरा किया पंद्रह दिन के महासरे के बाद वो तंग आ गए उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबी को सालिस बनाया जिसके फैसले के मुताबिक उन्हें मदीने से जिला वतन कर दिया गया बनू नुजैर की तरफ से भी नक्श के आसार और क़राइन पे दर पे जहूर में आ रहे थे हती कि उन्होंने हजूर सलील वसलम की जान तक पर हमला करने में भी दरेग ना किया आप वसलम ने उनसे तजदीद अहद के लिए कहा लेकिन वो इस पर आमादा ना हुए उन्हें अपने किलों पर नाज था और मुनाफिक दरपर्दा उनकी हिमायत पर तुले बैठे थे हुजूर ने उनका भी महासरा किया और दरख्तों के वो झुंड जिनसे वो कमीन गाहों का काम लेते थे कटवा दिए पंद्रह दिन के बाद उन्होंने भी अमान चाही तो उन्हें इजाजत दे दी गई कि वह अपना मालो मता लेकर मदीने से चले जाए चुनाचे उनमें से अक्सर खैबर की तरफ चले गए सूर्य हशर की इब्तदाई पंद्रह आयात में यहूदियों और उनके खुफिया मददगारों यानी मुनाफिकों का जिक्र हैंग जंग एहजाब तक पहुंचने के लिए इन तमहीदी तफासल को सामने लाना जरूरी था कुरैश और यहूद की इस मुतफिका साजिश ने आलमगीर हैसियत इख्तियार कर ली बनुजैर बनु ने खबीर पहुंचने के बाद कुरैश मक्का को मदीने पर हमला करने के लिए उकसाया वह पहले ही से आमादा बैठे थे फिर यह कबीला गतफान के पास पहुंचे और उन्हें भी जंग के लिए आमादा कर लिया कबीला बनु सलीम से कुरैश की कराबत थी इस ताल्लुक की बिना पर भी वो शिरकत के लिए तैयार हो गए बनु सात का कबीला यहूद का हलीफ था वो भी आमादा हो गया चुनाचे ये तमाम तागोती कवते अपने अपने इख्तलाफ को बालाय ताक रखकर हक के मुकाबले के लिए यकजा हो गई के अलकुफर वाहिद इसी जहत से इस जंग को जंग एहजाब कहते हैं यानी मुख्तलिफ जमातों का इस्लाम के खिलाफ मुतहदा महाज ये लश्कर जर्रार आंधी की तरह उठा और मदीने के मजाफा तक आ पहुंचा बनु करीजा के यहूद जिन्होंने मुसलमानों से अहद किया था अभी तक अलग थे लेकिन बनु नुजैर की तरगीब से यह भी मुखालफी के साथ शामिल हो गए और अब कुफार और यहूदियों की पूरी कुतें हक के मुकाबले में आ गई तसादम और तजाहम का यही वह हजूम था जिसकी तस्वीर قرآن کریم نے ان الفاظ میں کھینچی اِذْ جَاؤُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اے مسلمانوں وہ وقت یاد کرو جب وہ لوگ ऊपर और नीचे हर तरफ से नरगा करके आ चढ़े थे और दहशत के मारे तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गई थी और हालत यह थी कि कलेजा मुंह को आने लगा था और जो तुम में से कमजोर थे उनके दिल में अल्लाह के दावों के मुतालिक तरह तरह के ख्याल पैदा हो रहे थे लेकिन इसके बावजूद जमात मिन ने बता दिया कि उनमें किस कदर कुत ईमान पैदा हो चुकी है उन्होंने डटकर मुकाबला किया हालांकि वो बुरी तरह झोर डाले गए थे खंदक की तैयारी नबी अकरम अलैहि वसल्लम ने साहबा रजी अल्लाह से मशवरा किया तो हजरत सलमान फारसी अल्लाह की राय से यह तय पाया कि औरतों को किलों में भेज दिया जाए और खुद एक खंदक के अंदर पना गुजीन होकर मुदाफियत करें चुनाचे एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई अल्लाह के इन मजदूरों में खुद अलैहि वसल्लम भी शामिल थे ये थी जमात मुमिनीन की वह सिपाहियाना जिंदगी जिससे बातिल की हर कुवत पर गलबा हासिल होना था ये मार का बड़ी हिम्मत और इस्तकामत का मतकाजी था दिन रात की मुशक्कत भूख और खौफ की सऊबत सामने एक जम गफीर बहरे मवाज की तरह मुतलातिम। मुसलमानों की फौज में मुनाफिकीन भी मौजूद थे लेकिन मुनाफिकत व ईमान खालिश की तो परख ही ऐसे जागुदाज मराहल में होती है <سؤال> <سؤال> لگے اور روبا کرنے واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره और अगर याद करो जब वो मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में खोट और निफाक का मर्ज था यूं कह रहे थे कि हमसे तो अल्लाह ने और उसके रसूल ने झूठा वादा किया है और जब उन मुनाफिकीन के ग्रोह ने कहा कि ए यसरब मदीने वालो तुम्हारे लिए यहां ठहरने का मौका नहीं सो अपने घरों को लौट चलो और उनमें से बाज लोग रसुल्लाह से घर जाने की इजाजत मांगते थे और कहते थे कि चूंकि हमारे घर बिल्कुल गैर महफूज हैं इसलिए हमें वापसी की इजाजत दे दीजिए ए नबी उनके घर कतन गैर महफूज नहीं है मगर वाकया कि ये लोग इन बहानों से भागना चाहते हैं ये तमाम हीला जोइयां महज इसलिए थीं कि उनके कलबी भी कुफर की तरफ थे अगर उन्हें इन्हीं हालात में मुसलमानों से लड़ना पड़ता तो सबसे आगे होते सूर आज़ाब की आयात तेरह तब बीस में इन्हीं मुनाफिकीन का जिक्र है एक तरफ मुनाफिकीन की यह जमात थी और दूसरी तरफ खुदा के मुखलिस बंदों की जमीयत, जिनकी कैफियत ये थी और जब जमात मुमिनीन ने लश्करों की तरफ देखा तो कहने लगे कि ये वही वक्त तो मौका है जिसकी खबर हमको अल्लाह और उसके रसूल ने दी थी और अल्लाह और उसके रसूल ने बिल्कुल सच कहा था और इससे यही हुआ कि उनके ईमान और तात में और तरक्की हो गई कुछ वो जिन्होंने अल्लाह की राह में जान देकर अपने माहिदे को सच्चा कर दिखाया और बाकी वो जो अभी इस इंतजार में थे कि कब वक्त आए और वो अपनी सदाकत अहद की अमली शहादत पेश करें कदा वमा इन में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अल्लाह से किए हुए वादे में पूरे उतर चुके हैं यानी वो अपना मुकर वक्त यानी जिंदगी पूरी कर चुके हैं और उनमें से दूसरे वो हैं जो शहादत के मुश्ताक हैं और अब तक उन्होंने अपने इस इश्तियाक में किसी किस्म का तगैर और तबद्दुल नहीं होने दिया और ये इसलिए कि खुद उनके सामने उनका रसूल रोशनी के बुलंद मीनार की तरह मुस्तहकम उस्तवार खड़ा था कि सरकशी और उदवान की मौजें चारों तरफ से यलगार करके आएं और सर टकरा कर पाश पाश हो जाएं। जिनके सामने ईमानो और यकान और और इस्तकामत का ऐसा नमूना मौजूद हो उनके पाए सबात में लफ्जिश किस तरह आ जाए ये था वो मकाम जहाँ कहा गया था تم में से इन लोगों के लिए खुदा के रसूल के अमल में एक उमदा नमूना मौजूद है जो खुदा के कानून की हमागीरी और नतीजा खेजी पर यकीन कामिल रखें और हर वक्त कानून खुदाबंदी को अपने पेश नजर रखें अंसार का इस्तलाल महासरा जारी रहा और इसके साथ साथ उसके मसाइब और उस शदायद में भी इजाफा होता चला गया इन मुश्किल के पेश नजर हजूर सल्लाम को ख्याल गुजरा कि कहीं अनसार हिम्मत न हार जाएं क्योंकि वह इस किस्म की जंग के आदि न थे इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि गतफान से इस शर्त पर माहदा कर लिया जाए कि मदीने की पैदावार का एक सुलस उन्हें दे दिया जाए अंसार ने जब यह सुना तो अर्ज किया कि अगर ये फैसला खुदाबंदी है तो इससे इनकार की मजाल नहीं लेकिन अगर हजूर सल्लाम अपनी राय से ऐसा करना चाहते हैं तो फिर जरत अर्ज माफ हम इसके लिए तैयार नहीं हमसे तो बहालत कुफर भी किसी को खराज मांगने की जरूरत नहीं हुई चे जाए के अब जब कि अब जबकि इस्लाम ने हमारा पाया इतना बुलंद कर दिया है हम इस पर आमादा हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इस्तकलाल इस को देखकर बहुत खुश हुए और माहदे का ख्याल छोड़ दिया महासरे की तवालत से खुद मुहासरीन भी तंग आ रहे थे वतन से इतनी दूर चौबीस हजार की फौज को रसद पहुंचाना कुछ आसान काम न था सर्दी का मौसम जराए रसल रसाइल की किल्लत घर बार से दूरी तंग आकर उन्होंने एक दिन हल्ला बोल दिया और खंदक का ऐसा हिस्सा जो ज्यादा चौड़ा नहीं था उबूर कर लिया जंग शुरू हो गई यह का बड़ी सख्ती और परेशानी का था तीरों और पत्थरों की बारिश एक सानिए के लिए भी थमने नहीं पाती थी जू तू करके दिन खत्म हुआ तो रात को इस सख्ती से बाद सर सर चली कि कु्फार के खैमों की तनाबें उखड़ गईं इस जैश खुदाबंदी के हमले ने मुखालफी को बदहवास कर दिया कुरने करीम ने इस वाक़े को इनाम खुदाबंदी से ताबीर किया है इसके साथ ही यहूदियों ने भी हिम्मत हारनी शुरू कर दी और कुरैश को महसूस होने लग गया कि अब ये साथ छोड़ देने पर आमादा हैं इन तमाम मुश्किल के पेश नज़र उन्होंने भी समझा कि महासरा उठा लिया जाए चुनाचे 20 से 22 रोज की नाकाम तोगानियों के बाद ये तूफान जिधर से उठा था खासिर नाकाम उधर ही को वापस लौट गया मुनकरीन हक को मदीने से गुस्से में पेचताब खाता हुआ लौटा दिया कि उनकी कोई भी मुराद पूरी ना हो सकी और कानून खुदाबंदी जंग में मुसलमानों के लिए खुद ही काफी हो गया और बिला शुबा अल्लाह बड़ा ही कुत वाला और बड़ा ही जबरदस्त है बनु करीजा की सरकोबी बनु करीजा ने खुली हुई अहद शिकनी की थी इसलिए उनकी सरकोबी जरूरी थी अगर हलीफ कुतें इस तरह वक्त पर गद्दारी कर जाएं तो निजाम अम किस तरह कायम रह सके उनसे जब इसके मुतालिक बाज़ बासपुर्स की गई तो बजाय इसके कि वह अपनी हरकत पर नादम होते सब वो शितम पर उतर आए लिहाजा उनके खिलाफ फौज कशी की गई करीब एक माह तक वह मैसूर रहे और फिर उन्ही के मुकर करदा सालिस के फैसले के मुताबिक उनके मुस्तबिल का फैसला कर दिया गया और जिन अहल किताब ने उन मुशरक की मदद की थी खुदा ने उनको भी अपने उन किलों से बाहर निकाल दिया जिनमें वो महसूर थे और उनके दिलों में तुम्हारा रोब बिठा दिया जिन में से बाज को तुमने मैदान जंग में कत्ल कर दिया और बाज को गिरफ्तार कर लिया इस तरह अल्लाह ने उन दुश्मनों के अम्वालो आराजी का मालिक मुजाहिदीन की जमात को बना दिया और न सिर्फ उन्हीं जमीनों का बल्कि मुस्तबिल करीब में उन जमीनों का भी जो अभी तक उनके कदमों से पामाल भी नहीं हुई थी और हमने तुम्हें उनकी जमीनों उनके और उनके अम्वाल का मालिक बना दिया और ऐसी दिया जिस पर तुमने अभी कदम तक नहीं रखा था और अल्लाह ने हर बात के लिए पैमाने मुकर जिन पर उसे पूरा पूरा कंट्रोल हासिल है जंगाद छः हिजरी निज़ाम कुरानी में जो मरकजी हैसियत काबे को हासिल है उसका जिक्र पहले आ चुका है और यह भी हम देख चुके हैं कि नबी अक्रम सल्ह वसल्लम ने किन इस तरारी हालात में मक्के को छोड़ा था काबा चूंकि इस तमाम सई व काविश और जद्दोजहद का हासिल और तमाम तगोताज और हरकत और अमल का मुंतहा था इसलिए मदीने में आने के बाद भी वह हजूर सल्लाह वसलम की तमन्नाओं का मरकज और आरजुओं का महवर रहा आपका जिस्म यहां था लेकिन रूह वहीं थी आपकी निगाह का हर तारा उसी कबला मकसूद से वाबस्ता और दिल की हर जुम्बिश उसी मरकज हयात से हम आहंग थी चलते फिरते उठते बैठते ख्याल उसी सिदरतुल शदरतुलमनतहा की तरफ लगा रहता था फिर चूंकि अपने मिशन की सदाकत पर ईमान महकम और उसकी आखिरी कामयाबी पर यकीन कामिल था इसलिए उम्मीद आप वसल्लम के कल्ब अथहर की इतहाई गहराइयों में एक हकीकत साबिता बनकर पैवस थी कि एक ना एक दिन फिर हमें मक्के में दाखिल होना है और इस तरह काबे को मिल्लत इस्लामिया का मरकज बनकर रहना है सबसे बड़ी बात यह कि खुद अल्लाह ताला ने इसका वादा कर रखा था कि काबे की तवलियत आपको मिलकर रहेगी उम्रे के लिए रवानगी ज़ीकात छः हिजरी का जिक्र है कि आप अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप वसल्लम अपने सतबीन के तयफे के साथ मक्के में दाखिल हो रहे हैं अगरचे मुसलमानों पर हज फर्ज नहीं हुआ था लेकिन अरबों में हज हज़रत इब्राहिम के ज़माने से ही राइज था और सुन्नत इब्राहिमी के इतबा में वहाँ हज भी किया जाता था और उमरा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरे का इरादा किया वफूर शौक ने करीब चौदह सौ सहाबियों को भी हम कर दिया जायरी ने बैतुल्लह का ये कारवाने इश्क मोहब्बत जज्बो कैफ की एक दुनिया अपने जलों में लिए रवा दवा दया महबूब की जानब रवाना हुआ कुरैश ने जब यह सुना तो खाम खां जंग की तैयारियां करने लग गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से बाहर एक मंजिल के फासले पर मकाम हुदैबिया पर पहुंचे तो हायत वाजाज में क्राइश तक ये पैगाम भिजवा दिया कि हम सिर्फ जियारत बैतुल्लाह के लिए आए हैं उम्रे का अहराम बांधे हुए हैं तुम्हें मालूम है कि ऐसी हालत में कोई लड़ाई नहीं लड़ा करता इसलिए मुफ्त की जिद ना करो हमें जियारत काबा से शरफयाब होने दो लेकिन उनके सर पर कुत का नशा सवार था उन्होंने जवाब में एक दस्ता फौज का भेज दिया हालांकि उस महीने में अरब लड़ाई नहीं किया करते थे उस दस्ते को मुसलमानों ने आसानी से गिरफ्तार कर लिया उन्होंने माफी मांगी तो उस अबरे करम की गौरबानियों ने उनके दामन उम्मीद को खाली ना लौटाया और सबको माफी देकर छोड़ दिया उन्हीं के मुतालिक कुरान करीम में है وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا वही ऐसा है जिसने मक्के की वादी में तुम्हारे हाथों को उन मुनक्रीन हक के कत्ल से और उनके हाथों को तुम्हारे कत्ल से बाद इसके के खुदा तुम्हें उन पर फतेहमंद और जफरयाब कर चुका था बाज रखा और अल्लाह तुम्हारे कामों को उस वक्त भी देख रहा था ए इस सुलह इसके बाद अलैहि वसल्लम ने कुरैश से ए सुलह के लिए हजरत उस्मान रजी को भेजा उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह को नजरबंद कर लिया और खबर मशहूर हो गई कि आपको शहीद कर दिया गया है ये सरकशी और तगियान की इंतहा और दनाया तो बदअहदी की आखिरी हद थी आप सल्ह वसलम एक बबूल के दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा थे वहीं अपने साथियों से अल्लाह की राह में सरफरोशी और जाँसे पारी की बैत ली यही वह बैत रजवान है जिसका जिक्र क़ुरान करीम ने इन अल्फाज में फरमाया है لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ان حالات میں جب جماعت مؤمنين اس درخت کے نیچے تجھ عہد اطاعت کر رہے تھے تو ان کا یہ عمل قانون خداوندی کے عین مطابق تھا वो ठीक ठीक वही कर रहे थे जो ऐसे हालात में कानून खुदाबंदी का तकाजा था और उनका यह अमल महज मैकेनिकी तौर पर न था बल्कि दिल की पूरी पूरी रजामंदी से था जिसे खुदा अच्छी तरह जानता था और इसका नतीजा था कि ऐसे मुहिब खतरात के बावजूद उन्हें पूरा पूरा इतमान हासिल था चुनाचे खुदा ने उनके लिए मुस्तबिल करीब में फतेह कामरानी की राहें खोल दी बैत रिजवान ये बैत खुदा से इस बात का अहदनामा था कि उसकी राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया जाएगा और चूंकि रसूल सल्ला वसलम बहसीत सरबराह निजामे खुदावंदी बैत ले रहे थे इसलिए हजूर सल्ला वसल्लम के हाथ को खुदा का हाथ करार दिया गया ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله

और जो शख्स खुदा से किया हुआ अहद पूरा कर दिखाएगा तो अनकरीब खुदा उसको जजाय अमल के तौर पर बहुत बड़ा अज़र अजरअता फरमाएगा यह बैत यानी शरा का मामला दर हकीकत उसी अहद की तजदीद थी जो हर मोमिन ईमान लाते वक्त अपने खुदा से करता है और जिसकी रूह से अब मोमिन अपने जानो माल को खुदा के हाथों बेच देता है और इसके इवज में खुदा की तरफ से उसे जन्नत मिल जाती है इस दुनिया में भी और आखरत में भी जमात ने इस अहद की तजदीद की लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हजरत उस्मान हजरतान तु की शहादत की खबर गलत थी चुनाचे कुरैश ने अपनी तरफ से सुहेल को गुफ्तगु मसालेहत के लिए भेजा जिन शराइत पर सुलह हुई वह कुछ इस तरह थी एक मुसलमान इस साल वापस चले जाए दो आइंदा साल हज के लिए आएं और सिर्फ तीन दिन रहकर चले जाएं। हथियार साथ न हो सिर्फ तलवारें हों और वो भी न्याम में तीन मक्के में जो मुसलमान पहले से मुकीम हैं उन्हें साथ न ले जाएं। और अगर कोई मुसलमान मक्के में रहना चाहे तो उसे इससे न रोकें। चार कुफार में से अगर कोई शख्स मदीना जाए तो उसे रोका ना जाए लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्के में आ जाए तो कुफार उसे वापस नहीं करेंगे नंबर पांच कबाइले अरब को इख्तियार होगा कि फरीकैन में से जिसके साथ चाहे माहिदे में शरीक हो जाए नजर बजाहिर यह शराय मुसलमानों के मफाद के खिलाफ थी हत्या के महिदे की तहरीर के वक्त जुजियात तक में कुरैश के नुमाइंदे सुहेल ने जहां जहां किसी बात पर इसरार किया उसे भी मान लिया गया मसलन कातब माहिदा हज़रत अली रजील तला ने शुरू में हसब मामूल बिस्मिल्लाहमान रहीम लिखा तो सुहेल ने कहा कि अरबों के दस्तूर के मुताबिक इसमें का अ लिखो ये भी मंजूर कर लिया गया इसके बाद जब ये लिखा गया कि ये वो माहिदा है जो मोहम्मद रसुल्ला ने तस्लीम कर लिया है तो सुहेल ने इस पर भी एतराज़ किया और कहा कि आपका नाम मोहम्मद इबन अब्दुल्ला लिखिए क्योंकि हम आपको रसुल्ला तस्लीम ही नहीं करते ये भी मान लिया गया अभी अभीदा लिखा ही जा रहा था कि सुहेल के साहबजादे हजरत अबू जंदल रजी जो इस्लाम ला चुके थे और मक्का ही में कुफार ने उन्हें कैद कर रखा था और तरह तरह की अजियतें देते थे किसी तरह भाग कर मुसलमानों के पास आ गए पाओ में बेड़िया जिसम जख्मों से लालाजार मसायब तकालीफ से हालत नज़ार वो कौन सी आंख थी जो उन्हें इस हालत में देख कर अश्क बार ना हो गई होगी लेकिन सुहेल ने कहा कि हर चंद अभी माहदे की तकमील नहीं हुई लेकिन अबू जंदल को मुसलमान अपने पास नहीं रख सकते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा उसे समझाया लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा हत्या के हजूर सल्लाह वसलम ने इसे भी तस्लीम कर लिया और अबू जंदल रजील्ला को उसकी तहवील में दे दिया अबू जंदल रजील्ता चौदह सौ मुसलमानों की जमीयत से फरियाद कर रहे थे कि भाइयो तुम मुझे फिर इन्हीं भेड़ियों के हवाले कर रहे हो जरा मेरी हालत को तो देखो अगर तुम मुझे इन शदायदो आलाम से ना बचाओगे तो फिर मेरी इमदाद को कौन आएगा इस फरियाद पर मुसलमानों के दिल तड़प उठे लेकिन फैसले के खिलाफ एक उंगली तक नहीं उठ सकती थी चौदह सौ का जम गफीर कलेजा मसूस कर रह गया रसूल सबू जंदल रजील्ला को मुखातिब करके कहा कि अबू जंदल जब्त और तहमुल से काम लो खुदा तुम्हारे और दूसरे मजलूमों के लिए कोई राह निकाल लेगा सुलह अब हो चुकी है हम इन लोगों से बदअहदी नहीं करना चाहते फतह का पेश खैमा मुसलमान इस सुलह से बहुत दिल शिकस्ता और मगमूम थे इसलिए कि उनके नजदीक यह एतराफ शिकस्त था लेकिन अल्लाह ताला ने इस शिकस्त को बाबुल फतह करार दिया चुनाचे बाद के वाकयात ने बता दिया कि यह जाहिरी शिकस्त फिलवाद की फतूहत के लिए कुशाद राह थी उस वक्त तक मुसलमान महज अपनी हिफाजत की फिक्र में थे अब इसके बाद गलबे और तमक्कुन की जिंदगी शुरू हुई एक अरसे की कशीदगी ताल्लुत और सिलसिले जंगो जद्दाल ने कुफार और मुसलमानों के बाहमी मेल जोल का सिलसिला मुनकता कर रखा था खुद गर्ज अनासर मुसलमानों के मुतिक तरह तरह के भयानक अफसाने मशहूर कर देते थे जिससे कुरैश वगैरह के दिलों में नफरत अदावत के जज्बात और भी भड़क उठते थे इस माहे ने आतिश मुबारसत को फरू किया तो मुखालफी ने मदीना आना जाना शुरू कर दिया और उन्होंने मुसलमानों के करीब आकर देखा कि यह दर हकीकत वैसे नहीं जैसी इनकी तस्वीर खींची जाती है और इनके अज़ायम व मकासद वो नहीं जो इनकी तरफ मंसूब किए जाते हैं नतीजा ये कि करीब दो साल यानि बाईस माह के अरसे में जब तक ये माहिदा कायम रहा लोग मुसलमानों की तरफ खींचे चले आए उदैबिया के वक्त नबी अक्रम सला वसलम की माइत में सिर्फ चौदह सौ की जमीयत थी और इसके दो साल बाद जब मक्का फतह हुआ तो आप सल्लाम के जलाओ में दस हजार की जमात थी इसलिए उदैबिया का माहिदा जो बजाहिर शिकस्त खुर्दगी और मरूबीत का मजहर दिखाई देता था दर हकीकत हसूल मकासद के लिए कुशाद राह की सूरत थी और इसीलिए एक फतेह मुबीन खुद गैर मुस्लिम मौरखीन भी जब इस माहे पर गौर करते हैं तो इस हकीकत का एतराफ़ करते हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका का मकाना नगार इस बाब में रकम तराज है कि माहिद हदैैबिया ने दोनों मसाफी जमातों को दम लेने की फुर्सत दे दी और इसका तमाम फायदा नबी अक्रम सल्ह वसलम को हुआ यह सुलह करीब दो साल तक कायम रही और इस दौरान में अहल मक् के लिए पेहम नाकामियों और मुसलसल जिल्लतों का बायस साबित हुई वो शर्त जिसकी से मोहम्मद वसल्लम ने यह अहद कर लिया था कि मक्का के आदमियों को उनके पास वापस कर दिया जाएगा और जो बिल्कुल कुरैश के हक में थी तमाम तवक्कुआत के खिलाफ उनके लिए से नुकसान साबित हुई और बिल उन्हें खुद ही दरखास्त करनी पड़ी कि इस शर्त को बदल दिया जाए सूरह फतह इस अजमाल की तफसील है जिसके आखिर में कहा गया है कि वही है जिसने अपने रसूल को ये जब हिदायत यानि हक पर मबनी निज़ाम देकर भेजा ताकि ये निज़ाम दुनिया के दीगर तमाम निज़ाम हाय हयात पर गालिब आ जाए और अल्लाह इसके लिए काफी निगरान है लहलाहाती खेती मक्के की पुरज सऊबात और मुश्किल ज़िंदगी और इसके बाद मदीने की इबिदाई ज़िंदगी इसी मकसद अजीम यानी निज़ाम खुदामंदी के गलबे और तसल्त के हसूल की तैयारी और इसी मंजिल उज़मा तक पहुँचने का सफ़र था यह दर हकीकत वह मेहनत थी जो एक किसान को ज़मीन की तैयारी तुखम रेज़ी आबपाशी खेत की हिफाजत और दीगर मुतल जुजियात के लिए करनी पड़ती है ये सब कुछ हो चुका अब वो खेती जो ईमानो आमाल साल से परवान चढ़ी थी पकने के करीब आ गई है इसके बाद दुनिया देखेगी कि वो किस तरह झोलियां भर देती है देखिए कुरान करीम ने इस हकीकत को कैसे दिलावेज और वजद आफरी अंदाज में बयान किया है जब फरमाया ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستفى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار Minhum, और ये होगा मोहम्मद रसूल सफ़ाकार की जमात के हाथों यह जमात भी क्या अजीब वरीब जमात है इनकी कैफियत यह है कि यह हक के मुखालफी के मुकाबले में चटान की तरह सख्त है लेकिन बहम दिगर बड़े ही नरम दिल और हमदर्द तू इन्हें देखता है कि वो किस तरह जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए झुक जाते हैं और कवानी खुदाबंदी के सामने पै करे तस्लीम रजा बन जाते हैं लेकिन ये तारे राहबों की जमात नहीं ये कानून खुदाबंदी के मुताबिक सामान्य जीस्त की तलाश में मसरूफ तगोताज रहते हैं और इसके साथ ही इसकी भी कोशिश करते हैं कि उनका हर अमल कानून खुदाबंदी से हम आहंग और उनकी सीरत सिफात खुदाबंदी से यक रंग हो जाए इससे उन्हें जो सुकून कल्ब और हकीकी मसरत हासिल होती है उसके असरात उनके चेहरों से नुमाया नजर आते हैं इनकी ये अलाका कुतुब आसमानी तौरा तो झील में भी मजकूर थी उन्होंने इस निजाम खुदाबंदी को जिस तरह कायम किया और परवान चढ़ाया इसकी मिसाल यूं समझो कि जब उमदा बीज से शगूफा फूटता है तो इसकी पहली कोपल बड़ी नर्म नाजुक होती है फिर जू जूं उसकी जड़ मजबूत होती जाती है उसकी नाल मोटी होती जाती है हती कि वो इतनी मजबूत हो जाती है कि वो अपने सहारे आप मोहकम और उस तरीक पर कायम हो जाती है इसमें खोशे लगते हैं और खोशों में दाने पड़कर सख्त और मजबूत हो जाते हैं यूं वो नन्ना सबीज पकी हुई फसल में तब्दील हो जाता है जब काश्तकार अपनी फसल को इस तरह समरबार देखता है तो वजद मुसरत से झूम उठता है लेकिन यही चीज उसके मुखालिफिन के सीने पर सांप बनकर लौटने लग जाती है इसी तरह अल्लाह हर उस जमात को जो उसके कवानीन की सदाकत पर ईमान लाकर उसके बताए हुए प्रोग्राम पर अमल पैरा होती है इस अमर का वादा देता है यानी यह उसका कानून है कि उनकी कोशिशों का नन्ना सा बीज तमाम खतरात से महफूज रहेगा और उनकी खेती पककर बेहतरीन समराद की हामिल हो जाएगी लेकिन इसके लिए उस किस्म की मेहनत और इस्तकामत की जरूरत होगी जिस किस्म की मेहनत और इस्तकामत का सबूत किसान देता है तुख में सवाल कवानी फितरत से मुताबिकत मुसलसल मेहनत और इस्तलाल इस्तकामत खेती की बरुमंदी के लिए ये तमाम शरात लाफी हैं जरा जमत मन की इस खसूसियत उमा पर निगाह डालिए जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं, वो तूफान जमाते मुमिनीन की खसूसियात अश अल कुफारी वही है जिसके मुतालिकूर तोबा में फरमाया ताकि कुफ् तुम्हारे अंदर सख्ती और सलाबत महसूस करें और उनके दिलों में तुम्हारा रोब और दबदबा बैठ जाए और दूसरी जगह कहा और हकीकत यह है कि अल्लाह ने उन अहले किताब यानी यहूद के दिलों में तुम दिया उनमें से एक ग्रोह को तुमने तह तय कर दिया और एक ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया और वो कभी तुम्हारे ऊपर गालिब ना आ सके और अल्लाह कभी ऐसा नहीं करेगा कि मुनकरीन हक ईमान रखने वालों पर गालिब आ जाए और अपनी जमात में एक दूसरे के ज़ख्मों के लिए मरहम दिल का सुरूर आंखों का नूर तमाम कुलूब मद्दत और मोहब्बत के सिलसिले में मुंसलिक एक एक मकसद हयात एक राह अमल फ लिहाजा तमाम कारवां एक वहदत यानी एक यूनिट एक की खुशी में सब की खुशी एक की मुसीबत में सब की मुसीबत सारी जमात एक जसद वाहिद की मिसल के अगर पाओं के अंगूठे में कांटा चुभ जाए तो आंख के आबगीने में आंसू छलक आए नबी अक्रम सल्ह वसम के इर्शाद गिरामी के मुताबिक मुसलमानों की मिसाल बाहमी मवदत और मरहमत और हमदर्दी में ऐसी है जैसे एक जिसम वाहिद की कि अगर इसके एक उजू में कोई शिकायत पैदा हो जाए तो सारा जिस्म उस तकलीफ में शरीक हो जाता है यही है एक मोमिन की जिंदगी का शुआर दुश्मनों के मुकाबले में हिसारे संगी और शमशीर आतिशी लेकिन अपनों के लिए नजाफत अंबरी और लताफत यासमी मुसाफे जिंदगी में सीरत फौलाद पैदा कर शबिस्तान मोहब्बत में हरीरो परनिया हो जा गुजर जा बन के सैल तुंद हो बयाबा से राह में आए तो जुए الكفار खां हो حسب मामूल मुसलमानों की तरफ से معاہدے की पाबंदी बड़ी शिद्दत से हुई ने मक्का के अफराद मदीने में मुसलमानों की तरफ से किसी किस्म की ज्यादा नहीं पाते थे इसलिए वहां आराम और सुकून से आते जाते और रहते सहते थे बरक्स इसके जो मुसलमान अहले मक्का के हाथों अजियतें उठाते थे उनके लिए इसके सिवा चारा कर् न था कि वो वहां से निकलकर किसी दूसरी जगह आजादाना जिंदगी बसर कर सकें क्योंकि मदीना भी उनके लिए हद ममनुआ थी रफ्ता रफ्ता इस किस्म के मुसलमानों की एक अलग जमात समंदर के किनारे मकाम ऐज पर जमा हो गई ैश को उनसे खतरा महसूस हुआ और उन्होंने इसी में खैरियत समझी कि नबी करम सल्ला से दरखास्त की जाए कि माहिदे की इस शर्त को कल अदम तस्वर किया जाए यूं उदैबिया का माहिदा आने वाली कामयाबियों के लिए पेश खेमा साबित हुआ खैबर सात हिजरी गैबर का जिक्र क़ुरने करीम में बसराहत नहीं आया लेकिन सूरह फतह में जिन मगाने में कसीरा की तरफ इशारा किया गया है वो खैबर ही की फतह के माल में हासिल हुई थी अलावा अजी ये जंग इस्लाम की तारीख में एक नए बाप का इजाफा करती है इसलिए कि यह पहली लड़ाई है जिसमें अहले किताब से नबरुद आजमाई हुई और उन्हें मुसलमानों की रियाया बनाया गया ये हम पहले देख चुके हैं कि जब यहूदियों के कबाइल मदीने से निकले हैं तो सब खैबर में मरकूज हो गए थे जहां उन्होंने बड़े बड़े मजबूत किले बना लिए थे यह सरजमीन इस्लाम के खिलाफ पैहम साजिशों का मरकज बन रही थी एहजाब की जंग इन्हीं साजिशों का नतीजा थी हुदैबिया से वापसी पर नबी अक्रम वसल्लम को मालूम हुआ कि यहूद इधर उधर के कबाइल से साजबाज कर रहे हैं ताकि मिलकर मदीने पर हमला किया जाए यह बला ऐसा ना था जिसका इंतजार मदीने में बैठकर किया जाता इसका मुकाबला वहां जाकर करना ही जरूरी था इसलिए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हमले को रोकने के लिए अवाइल सात हिजरी में खैबर का रुख किया ये मकाम मदीने से करीब 200 मील के फासले पर है 1400 सौ प्यादा फौज और 200 सौ सवार हजूर वसल्लम की माइत में थे जब यह फौज खैबर के सवाद में पहुंची तो रात हो चुकी थी अलैहि वसल्लम रात को कभी हमला नहीं किया करते थे इसलिए वहीं डेरे डाल दिए बस्ती सामने थी हुजूर अलैहि वसल्लम ने हसब मामूल खुदा से दुआ मांगी कि अः खुदा हम तुझसे इस बस्ती की और इस बस्ती वालों की और बस्ती की हर शय की भलाई चाहते हैं और इन सब की शरारतों से तुझसे पनाह के जोया है गौर फरमाइए ये एक हमला आवर की आर्जुए हैं कितनी हसीन हैं ये दुआएं और किस कदर गम गुसाराना हैं ये तमन्नाएं फतेह खैबर यहूदी अपने किलों में पना गुजीन हो गए और मुसलमानों ने उनका मुहासरा कर लिया ये मुहासरा काफी मुद्दत तक रहा बिलाखिर यहूदियों ने एतराफ शिकस्त किया और सुलह की दरखास्त पेश की इस्लाम का मकसद ही अमन सलामती है यह दरखास्त मंजूर की गई और उन्हें काफी मराहत दी गई यहूद ने सुलह भी की उनसे इस कदर मराहत भी बरती गई लेकिन कीना परवरी और दनायत जो उनके रगो रेशे में सराइयत कर चुकी थी न जानी थी न गई उनकी सारी उम्र साजिशों ही में गुजर गई चुनाचे हुजूर वसल्लम अभी खैबर ही में थे कि एक यहूदी औरत ने आपकी दावत की जिसे हुजूर हजूर अक्रम वसल्लम ने अजरा करम गुस्तरी कबूल कर लिया लेकिन उसने खाने में जहर मिला दिया जहर के फौरी असर से हजूर सल्लाम तो बच गए लेकिन एक और साहबी बशर बिन बरा रजील्लाहो शहीद हो गए ये साजिशें बदस्तूर कायम रहीं ताकि हजरत उमर रजील्ला तहों ने अपने अहद खिलाफत में तंग आकर यहूद को अजला शाम की तरफ मुंतकिल कर दिया हिफ अमानत ये गजवा खैबर ही का वाक़ है कि असवद राई अहल खैबर का एक चरवाहा बकरियां चराता हजूर सल्ह वसलम के करीब आया और अर्ज किया कि अगर मैं इस्लाम लाकर खुदा की राह में जान दे दूं तो मुझे भी जन्नत मिल जाएगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें क्या शुबा है तो उसने कहा बिसमिल्ला मैं मैदान में जाता हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि यह बकरियां किसकी हैं उसने अर्ज किया कि ये गांव वालों की हैं कि है। मैं इनका चरवाहा हूं गौर कीजिए कि ये बकरियां उन गांव वालों की हैं जिनके साथ जंग हो रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं पहले इस अमानत को उसके मालिकों के पास पहुंचा आओ फिर जंग में शरीक होना चुनाचे वो गया और बकरियों को गांव की तरफ हांक कर शरीक जहाद हुआ कहिए तारीख के औराक से आन मैदान जंग में इस किस्म के बुलंद उसूल की कोई मिसाल पेश करके दिखा सकता है जजिया जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है यह जंग एक अहम खसूसियत अपने अंदर रखती थी कुरने करीम ने आम कुफ्फ़्फ़ारशरकिन और अहल किताब से जिस किस्म के तल्ल का हुक्म दिया है और कुरानी निज़ाम हुकूमत के मातहत इनकी जो पोजीशन मुतिन की है इसका जिक्र अपने मकाम पर आएगा इस वक्त सिर्फ इतना बताना ज़रूरी है कि अहल किताब से जो जजिया लेने का हुक्म है उससे क्या मफहूम है इसलिए कि मानदीन ने इसके मतलब भी ऐसा गुमराहुन प्रोपागेंडा कर रखा है कि जजिये का नाम सुनते ही गैर मुस्लिमों की आंखों में गुस्सा और इंतकाम का खून उतर आता है और वो इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म अजीम तस्वर करते हैं ये वाज है कि इस्लाम में जंग से मकसूद ये है कि जो मुस्तभि और सरकश कुतें दुनिया में अदलानसाफ का निज़ाम कायम करने के रास्ते में मज़ा हों उनकी क़वत को तोड़ दिया जाए ताकि दुनिया फसाद की आग से महफूज हो जाए कुरान करीम में एक ही जगह जजिये का हुक्म है और वहां इसके साथ ही इसके मफहूम की भी वजाहत कर दी गई है सूर तोबा में है قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون اهل الكتاب من جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ نہ خدا ना ही उन उमूर को अपने ऊपर वाजिब ठहराते हैं जिन्हें खुदा और रसूल निज़ाम खुदावंदी वाजिब करार देता है और ना ही इस हक को सदाकत पर मबनी निज़ाम की इतात कबूल करते हैं उनसे भी जंग करो यहाँ तक कि वो हुकूमत से माहिदा करके हिफाजती टैक्स देने पर आमादा हो जाएं, और इस तरह उनकी तरफ से सरकशी खत्म हो जाए इस आयत के आखिरी अल्फाज वहम सागरून इस मकसद की वजाहत करते हैं यानी असली गज़ यह है कि इनका जोर टूट जाए और वो सरकशी से बाज आ जाए अब देखिए कि जजिया है क्या इस्लामी निज़ाम में हर मुसलमान सिपाही होता है और इन ज़रूरत उससे फौजी खदमत बज़बर ली जाती है बज़बर से यह मतलब है कि मुसलमान होना और फौजी खदमत देना लाजिमल है और इसमें इसे कोई इख्तियार नहीं होता इस्लाम अपनी गैर मुसलिम रियाया पर यह जब्र नहीं करना चाहता इसलिए एक गैर मुस्लिम को इजाजत होती है कि वो चाहे तो फौजी खदमत अदा करे और चाहे तो इससे अलग रहे गौर कीजिए कि यह पहला कदम ही किस कदर रियायत और रवदारी पर मबनी है यानी जो इख्तियार हाकिम में कौम के अफराद को हासिल नहीं वो महकूम कौम को अज खुद दे दिया गया है अब आगे बढ़िए मुसलमानों पर अपनी गैर मुस्लिम रियाया की जान माल इज्जत आबरू मजहब और मुकदस मकामत वगैरह की हिफाजत लाजमी है इसलिए उन्हें जिम्मी कहा जाता है यानी वो जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों ने अपने सर ले ली हो इनमें से जो फौजी ख़िदमत से मुस्तना रहना चाहें उनसे इस हिफाजत के बदले में थोड़ा सा टैक्स लिया जाता है ताकि ये रुपया फौजी अखराज में काम आ सके इस टैक्स का नाम जजिया हैदे हिफाजत की पाबंदी अब देखिए कि इस टैक्स की मकदार क्या थी इसकी आम शराह तीन रुपए और छह रुपए फी का सालाना थी और ज्यादा से ज्यादा बीस रुपए नीज बीस बरस से कम और पचास बरस से ज्यादा उम्र वाले मर्द तमाम औरतें मफलूज मतल उजू नाबीना मुफलिस और तमाम लोग जो फौजी खिदमत अज खुद कबूल कर ले इससे मुस्तना थे अब आप फरमाइए कि दुनिया में इससे ज्यादा सस्ती हिफाजत भी कहीं मिल सकती है और फिर इस हिफाजत के अहद पर अमल किस शिद्दत से होता था इसका अंदाजा इस किस्म के तारीखी वाकयात से लगाइए कि शाम के इलाके में मुसलमानों ने ईसाइयों से साल भर का जजिया वसूल किया लेकिन कुछ दिनों के बाद हरकल यानी ईसाई बादशाह के हमले के मुकाबले की वजह से मुसलमानों को वहां से अपनी फौजें हटाना पड़ी तो जरे जजिया ये कहकर वापस कर दिया गया कि यह रकम तुम्हारी हिफाजत के इवज में ली गई थी जब हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर रहे तो इसका मुआवजा क्या नतीजा इसका यह था कि जब मुसलमान फौजें ये शहर खाली कर रही थी तो वहां की ईसाई रियाया नम आलूद आंखों से उन्हें रुख्सत कर रही थी और यह दुआएं मांग रही थी कि खुदा तुम्हें हमारे शहरों की हुकूमत फिर अता करे अगर तुम्हारी जगह ईसाई फौजें होती तो इस मौके पर वापस देना तो दरकनार जो कुछ हमारे पास था वो भी नोच खसोट लेती यह है वो जजिया जिसे मशरक व मगरब के मानदीन हक सदाकत ने क्या कुछ बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रखा है इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया फतेह मक्का रमजान आठ हिजरी मुताबिक जनवरी 630 सौ तीस ईसवी तारीख मायूसियों और जुलमत अंगेज नाउम्मीदियों के इस हजूम में जिसमें घिरे हुए इस कारवाने मत आए और सदाकत ने मदीने की तरफ हिजरत की थी दूर उफक से उस पार एक बेसौत सदा थी जो अपने दिलकश लाहूती अंदाज में इस बेसर सामान आजिज दरमानदा जमात के कानों तक ये नगमे जाफा और मुजद रूह अफजा पहुंचा रही थी के अरुआन दावत ईमानी न तो हिम्मत हारो न गमगीन हो तुम ही सब बरतरो आला हो इसलिए कि तुम मोमिन हो घबराने और दिल छोड़ने की कोई बात नहीं ये मजलूमी और ये बेकसी ये दरमानंदगी और लाचारी ये जयीफ व ना तोवानी ये हजूम नवाइब अमवासाइब ये तमाम नवाजिल व वलाजिल ये नाउम्मीदियाँ और मायूसियां ये सब वक्ती और आर्जी हैं अनजामकार तमाम कामयाबियां और कामरानियां हर किस्म की ताजगियां और शादाबियां व वलबा शान व शौकत जाह व जलाल चरफे इंसानियत के तमाम मनासिब मरातब तुम्हारे हिस्से में आएंगे तमाम तारीकियां काफूर हो जाएंगी जुल्मतों के बादल छट जाएंगे आसमा होगा सहर के नूर से आई ना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी इस कदर होगी तरन्नुम आफरी बाद बहार निखते खाबीदा गुंचे की नवा हो जाएगी आ मिलेंगे सीनए चाकाने चमन से सीना चाक बजमे गुल की हम नफस बाद सबा हो जाएगी शब गुरेजा होगी आखिर जलवय खुरशीद से ये चमन मामूर होगा नगम तोहीद से कुरान करीम में हिजरत से कुछ वक्त पहले और हिजरत के कुछ अरसे बाद आदाए इस्लाम की शिक्स्त रीख की मंजरात और जयूश हक और सदाकत की फतह नुसरत की मुबशरात इस तवातुर तसलसल से नाजिल हुई कि गोया मुस्तबिल की पूरी तस्वीर हाल के आईने में खिंच कर आ गई हकीकत यह है कि हाल और मुस्तबिल की दीवारें हमारी नारासाई निगाह की तमीर करदा हैं खुदा अमामूब के सामने इन हदूद फासिल का कोई वजूद ही नहीं होता हिजरत के बाद सरकश कुतों की तकरीब के मराहल बतदरीज तय पाते चले जा रहे थे लेकिन उनकी तकमील फतेह मक्का में जाकर होनी थी जहां कानून खुदाबंदी की तइद नुसरत को यूं बेमहाबा सामने आना था कि किसी आंख को उसकी जलवाबारी से मजाले इनकार न हो तकरीब और हजीमत के इन मवाद में सूर लाहब को एक खास अहमियत हासिल है कि इसमें उन सरकश क़ुतों के इज्जत दरमानदगी और फनाजी साल की मुकम्मल तस्वीर सामने आ जाती है फिर इसे सूर नसर से मुतसिल रखकर जिस मौजाना बलागत से इसके मफहम की वजाहत कर दी गई है चश्म बसीरत जब इस पर गौर करती है तो कुरानी हुसन एजाज पर वजद करती है अबी लहब रऊस कुरैश में इतबा अबू जहल और अबू सुफियान जैसे सरगने मौजूद थे जिन्होंने नबी अक्रम वसल्लम की मुखालफत में कोई दकीका का नहीं किया था लेकिन गौर कीजिए कि कुरान ने इनमें से किसी का नाम लेकर नहीं कहा कि वह बेदस्तपा तो हो गया और उसे इस्लाम के मुकाबले में हाथ उठाने की हिम्मत बाकी न रही नाम अबी लहाब का लिया गया है ये क्यों अबी लहाब में वो कौन सी खसूसियत थी जिसकी वजह से उसे खास तौर पर पुकारा गया और उसकी शिकस्त और हजीमत को इस्लाम का गलबा और तसलुत शुमार किया गया ये चीज गौरतलब है जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है इस्लामी निज़ाम हुकूमत में काबे को मरकजी हैसियत हासिल होनी थी इसलिए इस मरकज पर इकतदार निज़ाम इस्लामी के इकतदार की अलामत थी रऊसए कुरैश में से मुख्तलिफ अफराद के पास मुख्तलिफ मुनासिब थे लेकिन काबे की तवलियत अबी लहब के सुपुर्द थी कुरान ने अबी लहब का जिक्र करके निगाह की तमाम तवज्जोहात को इस तरफ मरकूज कर दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तमाम तगोताज और जंग व जदल का मकसद रऊस कुरैश की रियासत क्यादत का हसूल न था बल्कि काबे को फिर से उस मकाम पर लाना था जिसके लिए इसे वज़ा व तामीर किया गया था अबी लहब अपने इस दीनी मनसब की वजह से दीन हक कहू का हकीकी दुश्मन था और बाकी रऊस कुरैश उसके ताबे थे इस शख्स ने एक तरफ काबे को जो खुदाए वाहिद की अबूदियत का मरकज था बुतों का स्थान बना रखा था और दूसरी तरफ अपनी हवस से जरपरस्ती और सरमायादारी की वजह से अपनी दीनी रियासत से बहुत नाजायज फ़ायदा भी उठा रहा था अफादा के माल में जो मोहताजों और मसाकिन की हाजत रवाई के लिए वक्फ था खुर्दबुर्द करता रहता था हती के काबे के खजाने के सोने के हिरन चुराने का इल्जाम भी इस पर आयत किया जाता था नबी अक्रम सल्ह की दावत तोहहीद में उसे हर वक्त अपने मनसब के छिन जाने और इस तरह हुसूले, माल दौलत के इतने बड़े सरचश्मे के हाथ से निकल जाने का खतरा नजर आता था इसलिए यह इस दावत इनकलाब की मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगाता था यूं समझिए कि अबू लहब कुरैश के उस निज़ाम पेशवाइत का इमाम था जिसमें तकदस आमेज क्यादत और मुफ्त का माल और दौलत सब हासिल हो जाते थे सरमायादारी और हवे से जरपरस्ती ने उसके उन तमाम जौहरों को तबाह कर दिया था जो कुरैश की कौमी खसूसियात थी यहां तक कि यह शख्स बदर के मैदान में कि जिसमें कुरैश की कौमी गैरत हमियत अपने खुर्द कला सबको खींच लाई थी खुद शरीक नहीं हुआ आंस बिन हशाम के जिम्मे इस सरमायादार के चार हजार दरहम कर्ज थे वो बवजा तंगदस्ती इस कर्ज को अदा नहीं कर सकता था इस वकील ने उस कर्जे के एवज आस की जान खरीद ली और उसे अपनी जगह मैदान जंग में भेज दिया यह था वह लहब जिसके पास तवलियत काबा जैसा अशरफ अफजल मनसब था ऐसे शख्स के बेदस्तपा हो जाने के ऐलान का खुला हुआ मफहम यह था कि काबे की तवलियत उन हाथों में आ जाएगी जो इसे अपने जाति अगराज के हसूल का वसीला न बनाएंगे बल्कि इसे नोए इंसानी के कयाम कयामन लिन्नासी का जरिया बनाएंगे अबू लहब जान के खौफ से बदर में शरीक ना हुआ लेकिन कुदरत के फैसले देखिए कि बदर के सातवें दिन अपने घर में बैठे चेचक के आरजे से मर गया उसके दोनों बेटे मौजूद थे लेकिन छूत के डर से वो उसकी लाश के पास तक ना आए यहां तक कि लाश पड़ी पड़ी सड़ गई दूसरों के गैरत दिलाने पर उन्होंने उस पर दूर ही से कुछ पानी छिड़का और मक्के से बाहर एक जगह रखकर दूर से पत्थर वगैरह फेंक कर लाश को ढांप दिया यह अंजाम हुआ उस जमाने के सबसे बड़े मजहबी पेशवा और सरमायादार अंजाम तो इस दुनिया में हुआ और इसके बाद की दुनिया में लहब। वो भड़कती हुई आग में पड़ेगा वो और उसके साथ उसकी बीवी भी इसलिए कि अबू लहाब की जरअंदोजी की हविस उसकी बीवी उम्म जमील की वजह से थी वो उसे मजबूर करती थी कि उसकी जीनत और आरइश के लिए जायज व नाजायज हर तरीक़ से माल इकट्ठा करे ताकि वो अपने साथ की दूसरी औरतों में अकड़ कर चले वो अपने दोजक का ईंधन खुद अपने कंधों पर उठाकर ले गई और जिस गर्दन की सरफराजी के लिए ये सब कुछ किया जाता था उसी में मकाफात अमल की रस्सी बंधी जो उसे कशा जिल्लत आमेज अजाब के जहन्नुम में ले गई फी जी दी अबू लहब अगरचे बदर के बाद ही मर गया लेकिन इससे काबे की तवलियत मुसलमानों के हाथ में ना आई उसका वक्त अब आ रहा था इसलिए अबी लहब की शिकस्त यद यानी बेचारगी और नातवानी मुकाबले से आजी और मुखालफत से दर्मानंदगी का असल वक्त फतेह मक्का था न के उसकी मौत इसलिए अबी लाहा की बेदस्तोपाई की तंजीर दरहकीकत फतेह मक्का की बशारत थी माहिद हदैबिया की शर्त के मुताबिक मुसलमान सात हिजरी में मक्का गए और तीन दिन की काबे की ज्यारत करके वापस आ गए चूंकि मुहिदे की पाबंदी जरूरी थी इसलिए मुसलमान अमन सुकून से गए अमन सुकून ही से लौट आए लेकिन कुरैश इस मुहिदे को भी ना निभा सके सुलह उदैबिया की बिना पर कबाइल अरब में खजा मुसलमानों के हलीफ हो गए थे और उनके हरीफ बनू बकर कुरैश के इन दोनों कबीलों में मुद्दत से पुरखाश चली आ रही थी बनु बकर ने खजा पर हमला किया और कुरैश ने के सरीहन खिलाफ बनु बकर की हिमायत की और खून बहा दिया खजा के कुछ लोग नबी अक्रम सलाम के पास मदद के लिए आए आपने जंग की बजाय कुरैश को कहला भेजा कि इन तीन शर्तों में से कोई एक मान ली जाए एक मकतूली ने खजा का खून बहा दे दिया जाए या दो कुरैश बनु बकर की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं और या फिर नंबर तीन ऐलान कर दिया जाए कि हुदैबिया का सुलहनामा टूट चुका है हैदाए हदैबिया तोड़ दिया गया कुरैश के नुमाइंदे ने तीसरी शर्त मानी और मुआहिदा कलदम हो गया अगरचे उन्हें अपनी इस हरकत पर बाद में बड़ा अफसोस हुआ लेकिन अब उन लोगों का एतबार ही उठ चुका था नबी अक्रम सल्ला वसलम ने मक्के पर हमले की तैयारी शुरू कर दी और इस अमर की एहतियात बरती कि कुरैश को कबल अज वक्त इसकी इतला ना मिलने पाए हातिब एक मोजि सहाबी थे उन्होंने एक मख्फी खत के जरिए कुरैश को इस तैयारी की इतला देनी चाहिए नबी अक्रम सला वसलम को इस वाके का पता चल गया और कासिद को रास्ते ही में रोक लिया गया ये मुनाफिकीन में से नहीं थे इसलिए सदर अव्वल में ये एक ही वाकया है जिसमें अपनी जमात के मफाद के खिलाफ किसी से कोई हरकत सरजद हुई हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने नहायत नदामत आमेज निगाहों से इकरार किया कि उनके अजीज व अकारब मक्के में थे जिनका वहां कोई हामी ना था इसलिए उन्होंने कुरैश पर एहसान रखना चाहा कि इसके सिले में उनके अजीजों को कोई सदमा ना पहुंचाएंगे ये उनकी जज्बाती कमजोरी थी कुरानी तालीम इंसान को इन कमज़ोरियों से बुलंद ले जाना चाहती है लेकिन जिस लफ्जिश के साथ अर्क अनफाल हो वो काबिल अफू होती है चुनाचे हजूर सल्ला वसल्म ने इस उज़ुर को जिसे पुरखलूस नदामत से पेश किया गया था कबूल फरमा लिया मक्के की तरफ रवानगी रमजान आठ हिजरी में दस हजार क़द्दसियों की जमात की हम में नबी अक्रम सल्ह वसलम आजे में हुए सन दो हिजरी का पहला रमज़ान था जब बदर के मैदान पर इस सिलसिले मुबारक हक बातिल की इब्तिदा हुई थी छह साल के बाद फिर रमजान ही के महीने में इस कशमकश बातिल की तकमील का दिन आ जाता है मक्के से बाहर डेरे डाल दिए गए अबू सुफियान इस लश्कर की तहकीक करने के लिए खुफिया तौर पर आया लेकिन गिरफ्तार हो गया यह सुरखैल जयूश फरायना अब पाबा जौला हजूर वसल्लम के सामने था इसकी सारी उम्र इंतहाई मुखालफतों में गुजरी थी इसका एक एक जुर्म इस काबिल था कि इसकी सजा में इसकी गर्दन उड़ा दी जाए हजूर सल्लाह वसलम की निगाह उठी तो उसने कलमा शहादत पढ़कर सर झुका दिया उसने कलमा पढ़ा और इधर तमाम रंजिशें खत्म हो गईं। सारे गिले तमाम हुए एक निगाह में अब अबू अब इस कदर जी इज्जत और काबिल अहतमाद था कि ऐलान कर दिया गया कि जो शख्स हथियार डाल देगा या दरवाजे बंद कर लेगा या अबू सुफिया के घर पनाह ले लेगा उसे अम दे दिया जाएगा इस ऐलान के बाद बगैर जंग किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजफ्फर मंसूर मक्के में दाखिल हुए जा ए पैगम्बर इस्लाम सल्ला आप ऐलान कर दीजिए कि देखो हक आ गया और बािल नाबूद हुआ और बातिल इसीलिए था कि नाबूद होकर रहे फतेह मक्का वही बेकस व बेबस इंसान जो आज से आठ साल पहले इसी मक्के से रात के वक्त सिर्फ एक साथी की हमराही में दुश्मन की निगाहों से बचते बचाते निकला था किसी गैर की मदद लिए बगैर आज इस जाहो हशमत से इसी मक्के में दाखिल हो रहा है जो दुनिया के किसी शहनशाह को आज तक नसीब ना हुई हो कुद्दूसियों की जानसार जमात जलो में लवाए हक और सदाकत सर पर साया फिगन और अल्लाह और उसके फरिश्ते इस अधर कामयाबी और फकीदुल मिसाल शाद कामी पर हिदाय तहसिन तबरीको तहाइफ़ सलातम से गुलपाश

इसके बाद लोगों को जमा करके एक बलीग खुतबा इर्शाद फरमाया ये दरबार हुकूमत इलाहिया का पहला खुतब सल्तनत था खुतबा क्या था उन तमाम असूलो मबानी का अजीम कदर मजमुआ था जिस पर हुकूमत खुदाबंदी के कसरे मशीद को उसवार होना था हजूर सल्हुह वसलम ने बाबाज बलंद फरमाया ला लाला ला शरीक लहू सरवरी जेबा फकत उस जाते बेहमता को है हुक्मर है एक वही बाकी बुतान आजरी खुतब फतेह मक्का सदक वादह काबिल हजार हमद सतश और दर खोरे सद हजार तशक् इम्तना है वो बारगाह समदियत जिसने उन वादों को पूरा किया जो उस वक्त किए गए थे जबकि सारी फजा ना मसाइद और हालात ना साजगार थे न सरा हु, उसने अपने बंदे की और नुसरत फरमाई हजमल अहजाब वाहद हु और तमाम ताबूती कुतों को मुनहदिम करके रख दिया या माशरअल कुरैश इन अद अजहब अंकुम नखवतल जाहिलियती व तजुम बिल आबाई ए कौम कुरैश जाहिलियत का गुरूर बातिल और नसब का इफ्तार पिंदार आवर सब खुदा ने मिटा दिए अन्नासो मिन आदमा व आदमो मिन तुराबिन तमाम नोए इंसान की असल एक ही है और इसका सिलसिला तख्लीक मिट्टी से शुरू होता है अला अलाकुल्लू मासरतिन दमिन अव मालिन युद्ध आ फुआ तख्त कदमिया हातइनी तमाम मफाखिर तमाम इंतकाम सब खून बहाए कदीम मिट मिटमिटाकर आज मेरे कदमों के नीचे हैं अब मसावते इंसानी और एहतराम आदमियत का दौर आ गया अब इज्जत तकरीम का मैार हसबो नसब नहीं बल्कि जौहर जती होगा बर के आदम राह निगाम नमूद आमद ई मुश्तुबार सजूद आमद <ख़गे> खुतबे के बाद मजमे पर निगाह डाली तो तमाम मतकबरीन मस्तबदीन कुरैश सामने खड़े थे इनमें वो भी थे जिन्होंने उस दिन उस दावत हक सदाकत की तजी को तहकीर की थी जब हजूर सलील वसलम ने पहले पहल सफा की पहाड़ी से अल्लाह तला का नाम उनके सामने पेश किया था और फिर जिन्होंने उस दिन से लेकर आज तक अपनी जिंदगी की तमाम तोानाइयाँ इस तहरी इनकलाब की मखालफत के लिए वक्फ कर रखी थीं वो भी थे जिन्होंने झत्ता बनाकर साजिश की थी कि शब हिजरत सब मिलकर इस दाइ अल्लाह को माज अल्लाह खत्म ही कर दिया जाए और ये सब इस जुर्म में कि वो ये क्यों कहता है कि रब्लाह हमारा रब सिर्फ अल्लाह है और ये दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने बदर के मैदान में अपनी तमाम कुतों को इसलिए जमा किया था कि यह भर जमात जो दुनिया में खुदा का नाम लेती है दुनिया से मिटा दी जाए और ये वो हैं जिन्होंने अहद के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा रजील् को शहीद किया और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी कर दिया और वो देखो इन्हीं में वो खातून हिंदा है जिसने हज़रत हमजा रजील् का कलेजा निकाल कर चबाया ये सब मफतू और मغلوب सामने खड़े हैं और दूसरी तरफ फ़ातह व मंसूर नबी अक्रम सल्ला वसलम कि जिन्हें दुनिया का कोई कानून और अदल का कोई गोशा इन मुजरमीन के कत्ल से नहीं रोक सकता हजूर अक्रम सला ने उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा कि तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूं उन्होंने कहा कि यह तो मालूम नहीं लेकिन इतना जरूर मालूम है कि तू शरीफ भाई है और शरीफ ज्यादा है यह उन्होंने अजरा तमल्लुक नहीं कहा था तमलुक और खुशामत तो अरब के कैरेक्टर से बईद थी उन्होंने एक हकीकत का इतराफ किया था नबी की सीरत ही यह है कि वो हर मकाम पर शराफत का मुजस्मा साबित हो उन्होंने इस मफहम का एतराफ़ आज इस शिकस्त ख़ुर्दगी के आलम में ही नहीं किया था बल्कि नजाशी और हरकल के दरबार में जब ये एक फरीक गालिब की हैसियत से गए थे तो उस वक्त भी यही कहा था हजूर सल्ला वसम ने निह उठाई और उनसे कहा कि ला तसरीब अमुलया इज़ हबूफ़ल तलकाउ आज तुमसे कोई मवाखजा नहीं जाओ तुम सब आजाद हो यह है वो अफू जिसकी कुरान में तारीफ की गई है ना के अहमिसा का वो अफू जिसमें इसमत बीबी अज बेचारगी का मजाहरा हो अफू उसी का काबिल सतयश है जिसमें इंतकाम की पूरी पूरी कुत मौजूद हो क्रैश ने महाजरीन के मकानात पर कब्जा कर रखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन से कह दिया कि अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाएं। इससे भी एक कदम आगे बढ़िए और ये देखिए कि वो सामने कौन है ये उस्मान इबन तलहा शैबी है जिसके पास काबे की कलीद रहती थी हिजरत के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए और कहा कि ज़रा काबे का दरवाज़ा खोल दो तो मैं इसकी जियारत से अपनी आंखों को तस्किन दे लो उसने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ामोशी से वापस आ गए लेकिन इतना कहा कि खैर आज तुम मेरी खाते दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं हो तुम मुख्तार हो लेकिन वो वक्त भी आने वाला है कि यही कुंजी मैं जिसके हाथ में दे दूंगा कयामत तक उससे कोई नहीं छीन सकेगा आज काबे की वही कुंजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी और वही उस्मान सामने खड़ा था आप अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हें वो याद है उसे याद था सबकी निगाहें मुंतजर थीं कि देखें ये कलीदे मताए दारैन किसे अता की जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और मालूम है कि ये कुंजी किसके हाथ में दे दी उसी उस्मान के हाथ में अल्लाह अकबर इस तरह में खुसरुवाना और नवाजश शहनशाहाना की नजीर और कहां मिल सकती है ये कुंजी आज तक उसी उस्मान की औलाद में मुंतकिल होती चली आ रही है खिलाफत की जगह मलूकियत आ जाने से ये कुंजी भी मजहबी पेशवाइत की हवे से जरानंदोजी का जरिया बनकर रह गई है जंग हुनैन शवाल आठ हिजरी मक्का अरबों का कौमी मरकज था इसके फतह हो जाने से मुख्तलिफ कबायल अरब के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने जौक दर जौक आकर इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया वाज रहे कि मक्का फतह होने पर किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया गया था लेकिन हवाजिन और सकीफ के दो जंगजू कबीले ऐसे थे जिनकी आतिश हसद और अदावत और भी भड़क उठी और उन्होंने बड़े शद्दोमत से मुसलमानों पर हमले की तैयारियां शुरू कर दीं नबी अक्रम सल्ह वसलम को मालूम हुआ तो आप सल्ह वसम मुकाबले के लिए आगे बढ़े मक्के और ताइफ के दरमियान हुनैन की वादी में दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ बदर और एहजाब के ज़माने में मुसलमान कमज़ोर और कलील उत्तादाद होते थे इसलिए उन्हें अपनी कुत बाजू से कहीं ज्यादा भरोसा तइद नुसरत कवानी ने खुदाबंदी पर होता था हुनैन की जंग में करीब बारह हजार की मुसल्ह फ़ौज हर किस्म के साजो सामान से आरास्ता इस दबदबे और तन तने से सफ़ आरा हुई के बाद सहाबर रजील्ला की जबान पर बेअ्तियार आ गया कि आज हम पर कौन गालिब आ सकता है दुनिया में मादी कौतें नहायत जरूरी हैं लेकिन अगर मादी खतें कौत कल्ब जिसेवत ईमानी कहते हैं को कमजोर करने का बायस बन जाएं तो यही मादी ख़ौतें उस कौम की तबाही का बायस बन जाती हैं शिक्स्त ईमानी की कमजोरी के मानी यह हैं कि इंसान उन असूल अकदार के मुकाबले में जिनके ताबे मादी क़वत को रखा जाता है मादी क़वत को ज्यादा अहमियत दे दे ये बात किसी वक्त यूं ही सहवन भी हो जाती है यही चीज उस वक्त हुई थी कुदरत का करिश्मा देखिए कि पहले ही हमले में ऐसी शिकस्त खाई कि बारह हजार के लश्कर का कुछ पता ही न था कि हो गया। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी दुश्मनों का रेला बिफरे हुए सैलाब की तरह मौजे मार रहा था अपनी फौज शिकस्त खाकर भाग रही थी इस खल्फशार में एक पैकरे इस्तकामत था जो रोशनी के बुलंद मीनार की तरह अपने मकाम पर खड़ा था न कोई घबराहट थी न परेशानी न मायूसी थी और न हजीमत के कोई आसार ये पै करे हिम्मत इस्तकाल खुद जाते गिरामी थी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लासम की इस तशद व तो इंतशार के आलम में आप सल्लासम ने पूरी जमीयत खातिर से दाएं तरफ मुड़कर आवाज दी कि या माशरसार न मालूम इस आवाज में क्या असर था कि भागने वालों के कदम वहीं रुक गए और पूरी दिलजमई से आवाज़ दी कि लबैक लब या रसूल लबैक लब फिर हुजूर हजूर वसल्लम ने बाई जानब यही सदा बुलंद की और इसका यही जवाब गूंज कर वापस आया फिर आप वसल्लम ने दुश्मनों को मुखातिब करके आवाज दी कि अनबीय लाकजिब मैं खुदा का पैगंबर हूं इसमें कुछ झूठ नहीं इसलिए हो नहीं सकता कि बातिल हम पर गालिब आ जाए चंद सानियों में पूरी फौज फिर इस मरकज हको सदाकत के गर्द जमा थी और इसके बाद एक ही हमले में मैदान साफ था सूरह तोबा में इस वाके का जिक्र इन अल्फाज में आया है मुसलमानों वाकया है कि अल्लाह बहुत से नाजुक मौकों पर तुम्हारी मदद कर चुका है जबकि तुम्हें अपनी किल्लत कमजोरी से कामयाबी की उम्मीद न थी और जंग हुनैन के मौके पर भी जबकि तुम अपनी कसरत पर इतरा गए थे और समझते थे कि महज अपनी कसरत से मैदान मार लोगे लेकिन वो कसरत तुम्हारे कुछ काम न आई और जमीन अपनी सारी वसत के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम मैदान से पीठ दिखाकर भागने लगे इसके बाद फिर so, <Families> अल्लाह ने अपने रसूल और के दिल में सुकून पैदा कर दिया और ऐसी फौजें नाजिल कीं जो तुम्हें नजर नहीं आती थीं और इस तरह उन लोगों को सख्त सजा दी जिन्होंने सरकशी की राह इख्तियार की थी और यही सजा है उन लोगों की जो इनकार यानी कुफर की राह इख्तियार करते हैं यानी उनकी बदअमली का लाजमी नतीजा यही है ताइफ का महासरा हुनैन की बकिया शिकस्त खुर्दा फौज कुफ्फार ताइफ में जाकर जमा हो गई हुजूर ने जाकर शहर का महासरा किया बीस दिन तक मुहासरा रहा और जब यह मालूम हो गया कि उनका जोर टूट चुका है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महासरा उठाकर वापस तशरीफ ले आए हुनैन में बहुत सा माल गनीमत हाथ आया था इसकी तकसीम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रियायत मलहूज रखी थी कि क़ुरैश मक्का में से जो लोग फ़ता मक्का के वक्त मुसलमान हुए थे उनकी तालीफ़लूब के लिए उन्हें ज्यादा हिस्सा दिया जाए वाज रहे कि तालीफ के कल्ब से मुराद रिश्वत या लालच नहीं होता इससे मकसद ये होता है कि जिन लोगों ने दीन की खातिर किसी किस्म का नुकसान उठाया हो उनके इस नुकसान की तलाफी करके उनकी दिलजोई का सामान कर दिया जाए इससे अनसार के बाज अफराद के दिल में यह ख्याल पैदा हो गया कि ये लोग चूंकि रसोल्ला वसलम और महाजरीन के अहल कबीला और अयजा वकारब हैं इसलिए उन्हें ज्यादा माल दिया गया है नबी अकरम सल्ला को बैसियत अमीर मिलत तकसीम गनीमत के हासिल थे। आप सल्हु वसलम के फैसलों के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती थी हजूर अक्रम सल्ह वसलम चाहते तो एक लफ्ज़ से इस ख्याल को उभरने से रोक देते लेकिन ये मुस्तबाना आमरीत तस्वुर में भी नहीं लाई जा सकती थी हजूर सल्लाम ने उन्हें जमा किया और एक ऐसा खुतबा इर्शाद फरमाया जो एक तरफ फन बलागत में एजाज का हुक्म रखता है और दूसरी तरफ उन कलबी ताल्लुक को निखार कर सामने ला रहा है जो हजूर सल्लाम को अनसार के साथ थे हजूर अक्रम सल्ह ने अनसार को मुखातिब करके फरमाया क्या यह सच नहीं कि तुम पहले गुमराह थे खुदा ने मेरे जरिए तुम्हें हिदायत दी तुम मुंतशिर और परागंदा थे खुदा ने मेरे जरिए तुम तुम्हें इतफाक तलाफ पैदा किया तुम मुफलिस थे खुदा ने तुम्हें मेरे जरिए दौलतमंद कर दिया आप वसल्लम ये फरमाते जाते थे और अनसार एक एक फिक्रे पर कहते जाते थे कि खुदा और रसूल का एहसान सबसे बढ़कर है आप सल्हुह वसल्लम ने फरमाया कि नहीं तुम ठीक जवाब नहीं दे रहे तुम ये जवाब दो कि मोहम्मद सल्ला जब और लोगों ने तुझे झुटलाया तो हमने तेरी तस्दीक की जब लोगों ने तुझे छोड़ दिया तो हमने तुम्हें पनाह दी तू मुफलिस आया था हमने तेरी हर तरह की मदद की यह कह कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये कहते जाओ और मैं एक एक फिक्रे पर कहता जाऊंगा कि तुम सच कहते हो इसके बाद फरमायांसार ये सब सच है लेकिन क्या तुमको यह पसंद नहीं कि ये लोग ऊंट और बकरियां ले जाएं और तुम मोहम्मद वसल्लम को अपने घर ले जाओ अब किसे जब था मजमे की बे चीखें निकल गईं और उन्होंने पुकार पुकार कर कहा कि या अल्लाह इन्हें सब कुछ दे दीजिए और हमारे लिए सिर्फ मोहम्मद को रहने दीजिए सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद अक्सर का यह हाल था कि रोते रोते हिचकियां बंद गईं। इसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया कि इस रियायत से क्या मकसूद था और यूं उनके दिल के साथ दिमाग को भी मुतमिन कर दिया कि हुजूर अलैहि वसल्लम का फैसला किस तरह अदल इंसाफ पर मबनी था इस्लाम में बात मनवाई ही दिल और दिमाग के पूरे पूरे इतमान के साथ जाती है इसमें ना आमिराना इस्ताद होता है और ना ही खालिस जज्बाती अपील इसमें इश्क और जीरकी दोनों का हसीन इम्तजाज होता है हुनैन के छह हजार कैदी अभी तक महसूर थे आप सल्लाह वसल्लम ने इंतजार किया कि उनके अयजा अकारिब आए तो फिदिये की बात की जाए लेकिन उनमें से कोई ना आया तो आप सल्लास ने एक सिफारत की दरखास्त पर सबको एहसानन छोड़ दिया कि यही कुरान का हुक्म है इमु इम ग तबूक रजब नौ हिजरी मुताबिक नवंबर 635 ईसवी, रूमियों की मुखालफत अब तक मुसलमानों की जंग व पैकार का सिलसिला अंदरून अरब तक महदूद था इनकी बढ़ती हुई क़ुतों को देखकर रूमी हुकूमत को ख्याल पैदा हुआ कि इस क़ुत को यहीं दबा देना जरूरी है गस्सानियों का ईसाई खानदान रूमी हुकूमत का जेर असर शाम पर हुक्मरान था इस मकसद के लिए रूमी सल्तनत ने उस खानदान को मुतन किया इस मुहिम के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां शुरू की जिनकी तफासिल शामी सौदागरों की जबानी अहले मदीना तक पहुंच रही थी रफ्ता रफ्ता ये खबरें सारे अरब में फैल गईं। अब मुदाफियत जरूरी थी इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज की तैयारी का हुक्म दिया मौसम सख्त गर्म था और सोए इतफाक के मुल्क में कहद पड़ रहा था इसलिए हालात साजगार न थे लेकिन मुहिम की अहमियत के पेश नजर इसे मुलतवी भी नहीं किया जा सकता था लिहाजा ये मार का अखलास और मुनाफिकत की इम्तिहान गाह था चुनाचे एक तरफ साहबा रजी का यह आलम था कि जो कुछ किसी के पास था लेकर हाजिर हो गया लेकिन इसके बावजूद उसरत का यह आलम था कि मुजाहिदीन के लिए सवारियां तक पूरी नहीं थी और इसका कोई इंतजाम भी नहीं हो सकता था इन्हीं के मुतालिक्न करीम में है

और जब तू ने भी माजूरी का इजहार कर दिया तो वो बेबस होकर लौट गए दरी हाल यह कि उनकी आंखें इस गम में अशबार हो रही थीं कि अफसोस आज हमारे पास इस राह में खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है मुनाफिकीन दूसरी तरफ मुनाफिकीन की यह हालत थी कि अजीब अजीब बहाना साजियों से जंग से बचने की कोशिशें करते थे सूर्य तोबा का सातवां रुकू देखिए किस बसत से कुरान करीम ने उनकी हीला जोइयों की नकाब कुशाई की है ये लोग झूठी सच्ची मजबूरियों का उजुर पेश करके जंग से रुख्सत की इजाज़त मांगते आराब मदीने के इन मुनाफिकीन के अलावा कमजोर ईमा वालों का एक और ग्रोह भी था जो सहरा नशीन आराब पर मुश्तमिल था ये अभी नए नए मुसलमान हुए थे और हनूज ईमान उनके दिल की गहराइयों में जागुजीन नहीं हुआ था

हकीकत यह है कि इस किस्म की जंग से वही लोग जी चुराते हैं जो निज़ाम खुदाबंदी से वाबस्तगी के दावे में झूठे होते हैं। सो इनमें से जिन्होंने इनकार यानी कुफर की राह की वो अलमेज सजा के मुस्तक हैं ये ठीक है कि बाज़ सूरतें माजूरी की भी होती हैं ऐसी सूरतों में किसी पर कुछ इल्जाम नहीं होता नातवानों पर बीमारों पर और ऐसे लोगों पर जिन्हें खर्च करने के लिए कुछ मैसर नहीं कुछ इल्ज़ाम नहीं अगर वो दिफा में शरीक न हो बशरत ये कि वो निज़ाम खुदाबंदी की बही ख्वाही में कोशा हैं क्योंकि ऐसे लोग उसने अमल के दायरे से अलग नहीं हुए और ऐसे लोगों पर इल्जाम की कोई वजह नहीं अल्लाह हिफाजत मरहमत फरमाने वाला है लेकिन ये लोग जो हर तरह से शिरकत जंग की इस्तात रखने के बावजूद बहाना तराशियां कर रहे हैं उन्हें किस तरह से इजाजत दी जा सकती है ज़ाम तो दरअसल उन पर है जो तुझ से बैठे रहने की इजाज़त मांगते हैं हालांकि मालदार हैं उन्होंने अपने लिए यही पसंद किया कि जब सब लोग राह हक में कूच कर रहे हों तो ये घरों में रह जाने वाली औरतों के साथ रहें हकीकत यह है कि मफाद परस्ती ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है जिससे ये समझने सोचने के काबिल ही नहीं रहे انك کے برعکس مومن حقہو والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم اور مهاجرين وانصار میں سے جو لوگ सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं और वो लोग जिन्होंने रास्तबाजी के साथ उनकी पैरवी की तो उन्होंने अपनी जिंदगी को कवानी ने खुदाबंदी से हम आहंग किया और कवानी ने खुदाबंदी ने अपनी बरकत वसादात से इनका साथ दिया और अल्लाह ने इनके लिए नई में अबदी के बाग तैयार कर दिए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इसलिए वो खुशक होने वाले नहीं वो हमेशा इस नियमतसुरूर की जिंदगी में रहेंगे और ये बहुत बड़ी फेरोजमंदी है बगैर जंग के कामयाबी चूंकि मुकाबला बाज़ंतीनी शहनशाहियत से था इसलिए नबी अलैहि वसल्लम तीस हजार का लश्कर जर्रार लेकर शाम की तरफ रवाना हुए तबूक के मकाम पर जाकर मालूम हुआ कि अगरचे रूमियों में खिचड़ी जरूर पक रही थी लेकिन उनकी तरफ से फौरी हमले का कोई इम्कान नहीं इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 20 दिन तक कयाम किया इधर उधर के ईसाई सरदारों ने जजिया देकर अतात कबूल की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए अगरचे जंग नहीं हुई लेकिन अल्लाह ताला ने इस सफर में मुजाहिदीन की भूख प्यास और दामानदगी सबको आमाले साल करार दिया और हकीकत यह है कि सफर जिहाज से बढ़कर मंजिल मकसूद तक ले जाने वाला और कौन सा सफर हो सकता है इसलिए इस राह में हर तकलीफ अबदी कामरानियों की कफील है हजरत काब रजील्ला बिन मालिक का वाकया हजूर अक्रम वापस मदीना तशरीफ लाए तो मुतलफी यानी पीछे रह जाने वालों का मामला पेश हुआ यह करीब अस्सी आदमी थे उन्होंने अपनी अपनी माजरत पेश की और हजूर सल्ला वसलम ने उसे कबूल कर लिया लेकिन तीन सहाबा रजील्ला ऐसे थे जिनके लिए वही के हुक्म का इंतजार करना पड़ा उनमें से एक काब बिन मालिक रजी अल्लाह रजील्ला थे बाकी दो बिलाल बिन उमैया अल्लाह और मरारा बिन रबी रजी अल्लाह थे यह वाकया खलूस व सदाकत और जब व इन का ऐसा मरक् है जिसका हर गोशा निगाह बसीरत के सामने लाने के काबिल है बेहतर हो कि यह माजरा खुद हजरत काब रजील्ला की जबान से ही सुनिए आपका बयान है कि इस सफर में मेरा घर पर रह जाना महज इब्तिला था न ही ऐसा करने का मेरा इरादा था और ना ही कोई उज्र था बल्कि मैंने इसके लिए खास तैयारी कर रखी थी जिस रोज लश्कर इस्लाम रवाना हुआ मुझे कुछ काम था मैंने कहा खैर कल चला जाऊंगा दो तीन दिन इसी तरह सुस्ती में गुजर गए अब लश्कर इतनी दूर निकल चुका था कि जाकर उससे मिलना बहुत मुश्किल था मुझे नहायत सदमा था कि यह क्या हुआ मैं इसी तज्जुब में रहा कि इतने में रसुल्लाह वापस भी तशरीफ ले आए लोगों ने मुझसे कहा कि जिस तरह और लोगों ने हीले बहाने बनाकर माजरत कबूल करा ली है तुम भी ऐसा ही करो लेकिन मेरी रूह इस तसवुर से कांपती थी कि झूठ और वो भी रसुल्लाह के सामने मैं हुजूर सल्लासम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा माजरा ठीक ठीक बयान कर दिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने घर में ठहरो और हुक्म खुदाबंदी का इंतजार करो बिला किसी उजर के मिलत के इज्तमी उमूर में अदम शिरकत इतना बड़ा जुर्म था कि इसका फैसला रसूल ल्ला खुद नहीं करना चाहते थे हजूर अक्रम सल्ह वसलम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि कोई शख्स इन तीनों से बातचीत ना करे और ना इनके पास बैठे हजरत काब रजील्ला फरमाते हैं कि अब जिंदगी और इसकी तमाम जाजिबियतें हमारे लिए वबाल जान बन गई जमीन अपनी तमाम वसतों के बावजूद हम पर तंग हो गई मेरे दो साथी तो घरों में बैठकर रोते रहे लेकिन मैं बाहर निकलता था और नमाज में भी शरीक होता था लेकिन कोई मुझसे बात न करता था मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही नमाज पढ़ता और कनखियों से अलैहि वसल्लम की तरफ देखता रहता लेकिन निगाह करम का मेरी तरफ अल्तफात ना होता एक शाम में अपने चचाजात भाई के बाग में गया उन्हें मुझसे बड़ी मोहब्बत थी मैंने जाकर सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब तक ना दिया मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तुमसे कसमिया पूछता हूं कि बताओ क्या मैं खुदा और रसूल्लाह को दोस्त नहीं रखता उन्होंने इस पर भी जवाब ना दिया मैंने फिर पूछा तो फिर भी साकित रहे मैंने तीसरी मरतबा कसम देकर पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े मैं वापस चला आया एक दिन बाजार में चक्कर लगा रहा था कि एक शामी सौदागर मेरे पास आया और मलिक गस्सान का खत मुझे दिया जिसमें उसने लिखा था कि मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे आका तुमसे खफा हो गए हैं और बाकी लोग भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं हालांकि तुम्हारा मरतबा बहुत बड़ा है तुम काबिल नहीं हो कि इस तरह छोड़ दिए जाओ तुम ये खत पढ़ते ही हमारे पास चले आओ यहां आकर तुम देख लोगे कि तुम्हारी कदर मंजिलत किस तरह पहचानी जाती है गौर फरमाइए यह कितनी बड़ी आजमाइश थी लेकिन जिस दिल में ईमान की हरारत मौजूद हो उसके लिए यह आजमाइश क्या हैसियत रखती है हजरत काब रजील्ला फरमाते हैं कि उस खत से मेरे गम और गुस्से की कोई इंतहा ना रही मैंने वो खत उसी कासिद के सामने जला दिया और कहा कि अपने आका से जाकर कहना कि तुम्हारी इनायात और इल्तिफात से मुझे मेरे आका की बेअल्तफाती लाख दर्जा खुशतर है मैं घर पहुंचा तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक और हुक्म मौजूद है कि तुम अपनी बीवी से अलहदा रहो मैंने पूछा कि क्या तलाक का हुक्म है कहा नहीं सिर्फ अलहदा रहने का यह सुनकर मैंने बीवी को मैं भेज दिया पचास दिन इसी करबो करबोअलम में गुजर गए पचासवें दिन मैं इसी गम में अपनी छत पर बैठा था कि मैंने आवाज़ सुनी कि कोई शख्स जबले सुलह से बुलंद आवाज़ में पुकार रहा था कि ए काब मुबारक हो मैं सजदे में गिर गया कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली इसके बाद लोग बशारत लेकर यके बाद दीगरे मेरी तरफ आने लगे लोग घोड़ों पर चढ़कर इस तेज़ी से आ रहे थे कि हर तरफ से बशारत के नारे बुलंद हो रहे थे जिसने सबसे पहले आकर मुझे यह मुझद जा अफजा सुनाया मेरे पास दो कपड़े थे मैंने दोनों उतारकर उसे दे दिए इसके बाद मैं जल्दी जल्दी खिदमत नबवी में हाजिर हुआ तो रास्ते भर लोग जमात दर जमात मुझे मुबारकबाद दे रहे थे मस्जिद में पहुंचा तो अहबाब दौड़ दौड़ कर आए और मुझसे मुसाफा करने लगे मैंने रसूल सल्ला को सलाम किया तो हजूर सल्लाम ने फरमाया कि ए काब मुबारक हो आज का दिन तेरे लिए सबसे मुबारक है मैंने कहा या रसूल सल्ला ये आपकी तरफ से है या खुदा की तरफ से फरमाया खुदा की जानब से मैंने फरत मुसरत में अर्ज किया कि मैं चाहता हूं कि मैं खुदा के इस एहसान के शुक्रिया में अपना सब कुछ सदका कर दूं हजूर अक्रम सल्ह वसलम ने फरमाया कि कुछ अपने लिए भी रख लो हजरत का आब रजील्ला फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह ने मेरी सदाकत को अपने बजलो एहसान से इस तरह नवाजा ये वाक़ इस कदर अहम है कि तारीख के अलावा खुद कुरान करीम ने इसे अपने दामन हिफाजत अबदी में जगह दे दी है तोबा में इन हजरात के मुतालिक है और पिछले तयब ग्रोह के अलावा कुछ लोग और भी हैं जिनका मामला इस इंतजार में कि अल्लाह का हुक्म क्या होता है मुलतवी हो गया है वो उन्हें सजा दे या मुआफ कर दे और अल्लाह सब कुछ जानने वाला अपने तमाम कामों में हमत रखने वाला है इसके बाद फरमाया और इसी तरह उसने उन तीन शख्सों को भी अपनी रहमत से नवाजा जो जंग में पीछे रह गए थे और जिनका मामला अल्तवा में रखा गया था उनका मामला मोलक रहने की वजह से उनकी हालत यह हो चुकी थी कि जमीन अपनी तमाम वसतों के बावजूद उन पर तंग हो गई और वो खुद अपने आप से तंग आ गए और उन्हें मालूम हो गया कि निजाम खुदाबंदी के हुक्म की खिलाफ वर्जी के बाद उन्हें कहीं पना नहीं मिल सकती बजुज इसी निजाम के दामन आफियत के इसके बाद अल्लाह उनकी तरफ अपनी रहमत से मुलतफित हुआ और उनकी माजरत कबूल कर ली ताकि वो अपने मुआशरे की तरफ वापस आ जाए जहां से उन्हें अलग कर दिया गया था अल्लाह के कानून में दिल से माजरत करने वालों के लिए सामान्य मरहमत की गुंजाइश है इबरत मोयजत हमने इस वाके को शराब बसत के साथ इसलिए भी दर्ज किया है कि इसमें आज हमारे लिए इब्रतमोजत की हजार दास्तानें पोशिदा हैं वहां तो यूं ही तसाहुल और सहल अंगारी से ऐसा हो गया था आज हमारी हालत यह है कि खुले बंदों मिल्लत के इज्तमाही मफाद के खिलाफ गद्दारी की जाती है और इसके बाद यह गद्दार ने इसी तमतराक के साथ अकड़ते फिरते रहते हैं ना उनके दिल में खुदा का खौफ होता है और ना ही कौम में यह एहसास कि ऐसे गद्दारों का कम अज कम मुआशरती बायॉट ही किया जाए और फिर यह भी देखिए कि महानदीन किस तरह इस ताक में बैठे रहते हैं कि ऐसे मिल्लत फरोशों को फौरन खरीद लिया जाए इस किस्म के सदागरों की पेशकश का जवाब वो तनूर है जिसमें हजरत काब रजी अल्लाह ने वाली गस्सान का खत चाक करके डाला था लेकिन जाफरान ई जमा तो खुद ऐसे मवाक की तलाश में रहते हैं याद रखिए, है। जाफर अंदर हर बदन मिल्लत कुश अस्त ई मुसलमान कौन मिल्लत कुश अस्त इनका एक ही इलाज है कि कौम इनके साथ ऐसा सलूक करे कि कुरान के अल्फाज में इन पर जमीन अपनी कुशादगियों के बावजूद तंग हो जाए हती कि वो खुद अपनी जान से तंग आ जाए और उन्हें यकीन हो जाए कि खुदा से भागे हुए को सिवाए खुदा के दर के और कहीं पना नहीं मिल सकती और वो इस हकीकत को महसूस तौर पर अपने सामने रख लें कि ई जहां बे इब्तदा बे इंतहा अस्त बंद गद्दार रा मौला कुजा अस्त जब तक वो कानून खुदावंदी के सामने आकर झुक न जाए उन्हें दुनिया में कहीं सर छुपाने को जगह ना मिले हज तबूक की मुहिम अहद नबी सल्ह वसलम के सिलसिले गजवात सराया की आखिरी कड़ी थी तथीर काबा से हुकूमत खुदाबंदी की मरकजियत कायम हो चुकी थी तबूक से वापसी पर हजूर सल्ला वसलम ने मुसलमानों का एक काफिला मदीने से हज के लिए रवाना किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह सालार कारवा यानी अमीर उलहजाज और हजरत अली रजी अल्लाह नकीब इस्लाम थे अब हज को कुरानी खतूत पर मुतशक् किया गया इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तालों ने सूर तोबा की इब्तदाई चालीस आयात पढ़कर सुनाई और इस तरह ऐलान कर दिया कि तोहहीद इलाही के इस मरकज की तवलियत से मुशरकिन का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा मुशरकिन से जो माहिदात हो चुके हैं उनकी मुद्दत तक इनकी पाबंदी की जाएगी जिनसे कोई माहिदा नहीं हुआ उन्हें चार माह की मोहलत है इसके बाद अल्लाह और रसूल यानी हुकूमत खुदाबंदी उनसे बरी है इसके बाद बाकी मांदा कुफार भी अज खुद मुसलमान हो गए कतरात खून का शुमार मौरखिन के फ्राहम करदा आदाद शुमार की रूह से अहद में बयासी मरतबा जंगी मकासद के लिए नकलो हरकत करने की ज़रूरत पड़ी उनमें से उन्नीस में खुद नबी अक्रम सलाम ने शिरकत फरमाई उन्हें असलाह में गजवात कहते हैं और बकाया में हजूर सल्लाह वसलम तशरीफ़ नहीं ले गए उन्हें सराया कहते हैं इन तमाम गजबात सराया में कुल दो सौ उनसठ मुसलमान शहीद हुए और सात सौ उनसठ मुखालफिन कुल एक हजार अट्ठारह इस तादाद को बयासी पर फैलाइए तो औसत करीबन साढ़े बारह निकलती है ये हैं कतरात खून निचोड़ वहशत और बरबरीत की उन खूचका दास्तानों का जो ने इस्लाम इस्लामी शमशीर की तरफ मंसूब करके दुनिया को इस दीन से खौफदा करते रहते हैं नौ साल के अरसे में तमाम लड़ाइयों में मकतूलिन की तादाद एक हजार अट्ठारह को देखिए और दूसरी तरफ उस दौर तमद्दन तहजीब और असर अकल के मनाकशात तनाजियात के नतज को सामने रखिए साफ नजर आ जाएगा कि वहशत और बरबरीत का दौर कौन सा है छोड़िए उन आदाद शुमार को जो उन्नीस सौ चौदह से उन्नीस सौ अट्ठारह की जंग अजीम ने दुनिया के सामने पेश किए या फिर दूसरी आलमगीर जंग उन्नीस से उन्नीस में दीद इबरत के सामने आए आज हजारों तक की नौबत तो मामूली फसादात में पहुंच जाती है फिर इस एक की तादाद में आपको गैर मसाफी आबादी का एक फर्द भी दिखाई न देगा गैर मसाफी आबादी तो एक तरफ गजवा बदर में हजूर सल्लाम ने यहां तक फरमा दिया था कि जो लोग कुरैश की तरफ से मजबूरन मैदान में लाए गए हैं उन्हें भी कत्ल न किया जाए नीज उनमें किसी मासूम बच्चे या बेगुनाह औरत का सर भी आपको दिखाई न देगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकदन हुक्म दे रखा था कि किसी कोहन साल बूढ़े या बच्चे या कमसिन औरत को कत्ल मत करो फिर देखिए कि इन एक हजार अट्ठारह इंसानों की जानों से इंसानियत को क्या फायदा पहुंचा सबसे पहले अरब की हालत को लीजिए अरबों के अहद जहालत के कवायफ व हालत गुजशत सफहत में हमारे सामने आ चुके हैं उनकी एक एक लड़ाई का सिलसिला सैकड़ों बरस तक मुसलसल जारी रहा करता था उन एक हजार इंसानों के खून से लड़ाइयों के वो तमाम सिलसिले मुनकता हो गए फिर उनके इंतकाम का सिलसिला पुष्ट दर पुष्ट चला करता था। अहद जाहिलिया के तमाम इंतकाम मौकूफ हो गए शराब सूदखोरी, कमारबाजी कबायली असबियत वहशत बरबरीत दरिंदगी व और, और इस किस्म की दीगर इंसानियत सोज रसूम उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी इन सब की इस्लाह हो गई कत्लो गारतगरी कज़ाकी और रहजनी का आलम यह था कि हरम की चार दीवारी के बाहर किसी की जान और माल कहीं भी महफूज ना था अब यह हालत थी कि बुखारी की एक रिवायत के मुताबिक जब अदी बिन हातिम इस्लाम लाए तो अलैहि वसल्लम ने उनसे इर्शाद फरमाया कि खुदा इस काम को इस तरह से पूरा करेगा कि एक औरत कादसिया से चलेगी और काबे की ज्यारत करेगी और उसे खुदा के सिवा किसी का डर ना होगा अदी कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि सारा अरब इस कदर पुरअमन हो चुका था कि एक तनहा औरत को कादसिया से हरम तक के सफर में किसी किस्म का कोई अंदेशा ही ना होता था इन सलबी खसूसियात से आगे बढ़िए और ईजाबी मुनाफे को देखिए तो अरबों की बाद नशीन खजूरों की गुठलियों पर गुजारा करने वाली कौम को उनकी इस पस्त सतह से उठाकर इतना बुलंद कर दिया कि वो चंद ही साल में कैसर किसरा के तख्त ताज के वारिस बन गए न सिर्फ कैसर किसरा के तख्त ताज की विरासत बल्कि शर्फ इंसानियत के उन मदारज पर फाइज जो इंसानी जिंदगी का मैराज कमाल हैं पूछिए तारीख के किसी माहिर से एक हजार इंसानों के खून से और वो भी मैदान जंग में तलवार लेकर आने वालों के खून से इस कदर तहयर अंगेज इनकलाब किसी और जगह भी दिखाई देता है और अरब से बाहर निकलकर देखिए तो साफ नजर आ जाएगा कि अल्लाह वालों की मुठ्ठी भर जमात जिसके मुतिक बदर के मैदान में हजूर अक्रम सला ने फरमाया था कि अगर ये मिट गई तो दुनिया में खुदा का नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहेगा अगर खुदा का नाम बुलंद करने के लिए आगे ना बढ़ती और बादल की कुतों से मरूब होकर अपने मकासद को तर्क करके अलग हो बैठती तो आज दुनिया की क्या कैफियत होती दुनिया के तमदनी इमरानी, सकाफती इलमी अदबी गर्ज ये कि हर काबिल तहसीन गोशे में जो इनकलाब इस्लाम के जरिए रूनुमा हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं अगर इस्लाम दुनिया में एक जिंदा तहरीक की हैसियत से बाकी न रहता तो दुनिया अजमिन मुजलिमा की उन्ही तारीखियों में होती जिनमें यूरोप इस्लामी तमद्दन से रूशनास होने से पहले था और अगर यह सही है कि खून सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा तो बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि इंसानियत की शब तीरा तार में इस कदर नूरानी सहर पैदा करने के लिए एक हजार इंसानों का खून कुछ बड़ी कीमत नहीं है और यह इनकलाब नोए इंसानी पर ऐसा एहसान अजीम है जिससे इंसानियत की गर्दन तशक् कभी ऊपर नहीं उठ सकती ये मुहिर अल्कूल इनकलाब मादी ज़राए से कहीं ज़्यादा ईमानी क़वतों की रूह से अमल में आया इसमें शुबा नहीं कि कुरानी इनकलाब के लिए मादीवतों की भी असबस ज़रूरत है इसलिए कि ईमानी क़वत मादी क़वतों की रूह से ही क़त नाफिजा बन सकती है लेकिन इस निज़ाम में मादी अकतदार हमेशा ईमानी अकतदार के ताबे रहता है हेटी इस बाब में लिखता है मुसलमानों की फौज उनकी तमाम उम्म थी यानी पूरी की पूरी फाल जमात उनकी क़ुत का राज उनके इसल या उनकी तंजीम के तफवुक में ना था बल्कि उनके बलंद तरीन कैरेक्टर में था जिसकी असास उनके मजहब पर थी हवाल किताब तारीख अरब सफा नंबर एक सौ तिहत्तर इस उम्मत की तमाम सई व काविश का मकसद यह था कि जालिम का हाथ पकड़कर उसे हक पर झुका दिया जाए हक कुरान है यानी जबता कवानी ने इलाहिया और ालिम हर वो कुत जो खुदा के सिवा किसी और के अहकाम की अतात करे और दूसरों से ऐसी अतात कराए ये है मकसद तत्ताल फी सबी का तेग बहरे इज्जत दीन असत बस मकसद ऊ हिफज आइन असत बस